हाँ गीतांजलि दीदी, आप क्या महाराज जी को फोन करके पूछ सकते हैं क्या? आपके पास नंबर है क्या प्रभु जी उनका? आपके पास नंबर है उनका? हाँ मैं आपको भेज रहा हूँ। महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं अभी 1 मिनट में। हाँ अच्छा कर रहे हैं, ठीक अभी 1-2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। है। जब हमारे गुरुदेव अपनी कथा में बता रहे थे कि जब मैंने मठ ज्वाइन किया और मैं जब परम गुरुदेव को देखता था, भक्ति पर ज्ञान केशव गोसाई महाराज जी को, तो गुरु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने क्या देखा कि परम गुरुदेव दिन रात रोते रहते हैं, हाँ प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद करके। तो वहां पे गुरु जी बोल रहे हैं कि मैंने सुना तो था कि इस जगत में प्रेम होता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा प्रेम अपनी विटनेस नहीं किया था। कि ऐसा भी कोई प्रेम होता है क्या कि गुरु और शिष्य का, कि अगर गुरु छोड़ के चले जाए, मतलब इस जगत से अप्रकट हो जाए, तो शिष्य इतना भी क्रंदन कर सकता है क्या? और वहां पे गुरुदेव बोलते हैं कि तब मैंने देखा कि कैसे परम गुरुदेव का प्रेम था किनके साथ? प्रभुपाद जी के साथ। वो क्या करते हैं, केवल दिन रात हा प्रभुपाद करके क्रंदन करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा जगत है जहां पे वीरे को इम्पोर्टेंस दिया गया है, वीरे। और एक उदाहरण देते थे हमारे परम गुरुदेव ही, कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास एक पत्थर है और उस पत्थर का उसने मूल्य जाके लगाया कि उस पत्थर का कितना पैसा मिलेगा। तो किसी व्यक्ति ने बोला, इस पत्थर का जो आपको पैसा मिलेगा, आपको इसका 5,000 रुपये मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई, 5,000 रुपये दे दो। उसने 5,000 में उसको पत्थर दे दिया। अब उसने जब 5,000 में पत्थर बेच दिया, जिस व्यक्ति ने पत्थर खरीदा, उसने उस पत्थर को जब जाके आगे मार्केट में पता किया तो उसको 5 लाख रुपए मिल रहा था। उसने इसको आके बोला, भाई साहब आपने तो मेरा जीवन बना दिया, ये जो आपने मुझे 5,000 में पत्थर बेचा, मुझे तो उसके 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो अब जिस व्यक्ति ने उस पत्थर को बेचा 5,000 में, अब वो व्यक्ति सुखी होगा दुखी होगा? पहले तो बहुत सुखी हुआ कि हाँ देखो 5,000 रुपये मिल गए पत्थर के, ये तो किसी काम का नहीं था। अब जब उसको पता चला कि इसका मूल्य तो 5 लाख रुपए है, वो बहुत दुखी होता है, रोता है। उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने 5 लाख में भी बेचा नहीं।
उसने आगे जाके किसी और अच्छे ज्वेरी को दिखाया, तो उसने बोला भाई ये पत्थर तो बहुत कीमती है, इसका तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा। फिर जब इसको पता चला कि भाई मेरा पत्थर जो मैंने 5,000 में बेचा था उसका 5 करोड़ रुपए मूल्य है, अब इसका दुख क्या होगा, इसका दुख और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इसको उस पत्थर का कीमत पता चलता रहेगा वैसे वैसे इसका क्या होगा, इसका दुख बढ़ता रहेगा। तो उसी प्रकार से जितने परिमाण में हमें गुरुदेव की महिमा का ज्ञान होगा, जितने परिमाण में हमें पता चलेगा कि गुरुदेव कौन थे, इस जगत में किस वस्तु को दान करने के लिए आए थे, तभी जाके हमें क्या होगा, गुरुदेव से विरह होगा, और तभी जाके हम गुरुदेव विरह के माध्यम से ही हम गुरुदेव की जो महिमा है उसको अपने हृदय में फिर हम धारण कर पाएंगे। हमारे गुरुदेव एक बात और बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे कि परम गुरुदेव ने हमें क्या दिया है, हमारे हमें हमारे गुरुदेव हमें क्या देके गए हैं। अब इतने सालों के बाद भजन करते करते आज उनकी कृपा का किंचित थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ कि कितनी बड़ी वस्तु हमें देने के लिए आए थे। इसलिए गुरु जी एक बात और बोलते थे कि साधन का मतलब क्या है, गुरु की जो कृपा है उसको अपने हृदय में अनुभूति करना ही साधन है कि गुरुदेव हमें क्या वस्तु देने के लिए आए हैं। तो गुरु की कृपा को अपने हृदय में समझना कि वो क्या देने के लिए है, वो ही साधन भजन है। तो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें इस प्रकार से गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने अनभिप्सुमंदम कृपा मुदीरिया परा दुखा दुखी, कि उन्होंने जब हमारे दुख को देख के दुखी हुए और जिस वस्तु को हम पान नहीं करना चाहते थे तब भी हमें जबरदस्ती उस वस्तु को पान कराया। और कैसे गुरुदेव एक एक शिष्यों के साथ अपना एक बहुत घने संबंध बनाते थे। अभी जितने भी लोग गुरुदेव के विषय में कथा करते हैं, जो भी गुरुदेव के डिसाइपल्स हैं, सबका एक वो है कॉमन, सबको ऐसे लगता है कि गुरुदेव सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से करते थे, सबको ऐसा लगता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ बैठे होते हैं तो सारे सखा क्या सोचते हैं कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं, सारी गोपियां सोचती है कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से करते हैं। तो गुरुदेव का एक ऐसा वैशिष्ट्य है कि गुरुदेव जिन जिन को भी गुरुदेव का संग प्राप्त हुआ सबको ऐसा लगता था कि गुरुदेव का कितना प्रेम है मेरे प्रति। और गुरुदेव अपने एक एक शिष्य को पहचान लेते थे। हमारी रागलेखा दीदी है, जब नवदीप में परिक्रमा होती है तो 5,000 8,000 इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो वहां पे अगर उन 7 8 5,000 लोगों में भी अगर कोई गुरुदेव का शिष्य आज कथा में नहीं गया, अब शाम को जब गुरुदेव से मिलने के लिए जाएगा तो उसको शर्म आएगी, क्यों, गुरुदेव पकड़ लेंगे। तो कई बार गुरुदेव पकड़ लेते थे रागलेखा दीदी को, तू आज कथा में क्यों नहीं बैठी थी। अब इतना बड़ा नाट मंदिर है, इतने सारे लोग बैठे हैं, तब भी गुरुदेव ने पहचान लिया कि ये कथा में कौन था कौन नहीं था। तो गुरुदेव का एक जो पर्सनल पर्सनल टच, कैसे गुरुदेव सबको एक एक पर्सनल टच देते थे व्यक्तिगत रूप से। मैंने देखा जब गुरुदेव का व्यास पूजा हो रहा था मथुरा में, लाइन लगी हुई है, कितने लोग आ रहे हैं कोई गिनती नहीं है, सुबह से कंटिन्यू शाम तक लोग आते जा रहे हैं, और एक एक व्यक्ति से गुरुदेव पूछ रहे हैं, अच्छा हाँ तेरी बेटी की शादी होनी थी हो गई, अच्छा तेरे उसका वो काम बन गया, अच्छा तुम्हारा मकान बन गया। तो मैंने देखा कि मतलब कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इतने लोगों के बारे में जानता भी है और सबको पहचान भी रहे हैं, सबसे लौकिक सद्बंधु उनसे बातें भी कर रहे हैं। तो ये गुरुदेव का बहुत स्वीट मेमोरीज हैं कि कैसे गुरुदेव ने एक एक शिष्य के ऊपर एनर्जी दिया है, टाइम दिया है, और उनको भक्ति में लेके आए हैं। तो गीतांजलि दीदी महाराज जी आ गए हैं क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। महाराज जी, आप लॉग इन किए हैं क्या? अगर किया होंगे तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि उनका वॉइस तो म्यूट में है ना। नहीं, मैंने अभी तक ये नहीं किया है, नहीं मैंने कर दिया है। अनम्यूट डेम सर। अच्छा, आपने किया नहीं। ओके, ठीक है, अभी मैंने वापस रखा है अनम्यूट डेम सर ऑप्शंस। महाराज जी अगर आप आ गए हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके या फिर आप रेज हैंड कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आप आ गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं आपका आईडी कौन सा है यहाँ पे। या दीदी आप उनसे उस पे पूछ लीजिए किस आईडी से वो कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे उनको फोन करके या मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। तो ये गुरुदेव का एक बहुत बड़ा वो था। जैसे अभी हम लोग गुरुदेव की बुक के लिए हम लोग कुछ डेटा इकट्ठा कर रहे थे,
तो बहुत सारे वेस्टर्नर्स का अलग अलग सबने अपनी मेमोरीज दी। तो जब गुरुदेव विदेश में भी गए तो एक एक सीन, महाराज जी का फोन आ रहा है, हरे कृष्णा, दंडवत महाराज, हम रूम में आपका वेट कर रहे हैं। यस महाराज जी, वी आर वेटिंग फॉर यू इन कॉन्फ्रेंस। गीतांजलि दीदी, महाराज जी का फोन आया, एक बार आप बात कर लीजिए। ओके ठीक है। उनका आईडी कौन सा है, हमें यही नहीं पता ना। तो हाँ, तो वहां पे एक व्यक्ति ने पूरा मन बना लिया कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, और उसने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा कि सो मेनी रीजंस कि वाई आई कांट कंटिन्यू माई भक्ति, और उसने पूरा लेटर बनाया। और उसके बाद अब गुरुदेव विदेश में जहाँ पे थे, तो वो अपनी कंट्री से उधर गया, यूएस में किसी स्टेट में थे, और जाके उसने वो लेटर गुरुदेव के हाथ में जाके देगा कि गुरुदेव मैं भक्ति नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता, मैं हो सकता है कि मैं जब सामने जाऊं तो मैं आपको नहीं बोल पाऊं डर के कारण, तो मैंने इस लेटर में पूरा लिख दिया कि मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, और देर आर सो मेनी रीजंस कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर सकता। तो गुरुदेव, अब देखो गुरुदेव कैसे उत्साह भर दिया गुरुदेव ने उसके अंदर। गुरुदेव बोले कि ठीक है, तुमने मेरे को बहुत सारे रीजन दिए कि तुम भक्ति नहीं कर सकते, अनर्थ है, सब कुछ है, लेकिन गुरुदेव ने उनसे सिर्फ दो क्वेश्चन पूछा। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि डू यू हैव डाउट ऑन मी, उसने बोला नेवर, तो गुरुदेव बोले ओके, तुम्हें मेरे ऊपर डाउट नहीं है। सेकेंड, डू यू हैव, हाँ, फर्स्ट गुरुदेव ने क्वेश्चन पूछा था डू यू हैव डाउट ऑन माई करेक्टर, उसने कहा नो नेवर गुरुदेव, और सेकेंड गुरुदेव ने पूछा ओके डू यू हैव डाउट ऑन माई इंटेंशंस, उसने कहा नहीं, तो मेरे को पूरा विश्वास है, जब तुम्हें पूरा विश्वास है कि मेरा करेक्टर ठीक है और तुम्हें पूरा विश्वास है कि मेरी इंटेंशंस ठीक है, मैं यहाँ पे एक ही इंटेंशन लेके आया हूँ कि मैंने तुम्हें क्या करना है, वो ब्रज प्रेम प्रदान करना है। तो गुरुदेव ने बोला कि तुम्हारे जितने मर्जी अनर्थ क्यों ना हो, तुम्हारे पास हजारों कारण क्यों ना हो भक्ति नहीं करने के, लेकिन जब तक तुम मेरे ऊपर डाउट नहीं करोगे, ना मेरे इंटेंशंस पे ना मेरे करेक्टर पे, यू आर ऑलवेज एलिजिबल टू डू भक्ति, और तुम भक्ति कर सकते हो। गुरुदेव ने बोला कि जो तुम्हारे अनर्थ हैं, ऐसे गुरुदेव इशारा करते थे, दे आर नथिंग, वो कुछ है ही नहीं, जैसे ऐसे चुटकी में, जैसे चुटकी बजाते हैं ना, गुरुदेव बोलते थे मैं 1 सेकंड के अंदर सारे अनर्थ गायब कर सकता हूँ, तुम्हारे अनर्थ कुछ भी नहीं है, जस्ट बिलीव ऑन मी। कई बार गुरुदेव मॉर्निंग वॉक में, यहाँ पे गोवर्धन में वो था अन्नकूट था, तो अन्नकूट महोत्सव के बाद जब गुरुदेव वापस आ रहे थे, तो एक अपने विदेशी शिष्य को बोले यू वॉन्ट टू गो देयर, यू वॉन्ट टू गो देयर, उसने कहा यस गुरुदेव, देन गुरुदेव, गुरुदेव के लाल कपड़े थे, गुरुदेव बोले टेक दिस, लाइक इफ यू वॉन्ट टू गो देयर टेक दिस, और जस्ट इतना ही बोला कि अगर तुम वहां जाना चाहते हो ये लाल कपड़े ले लो, आई विल टेक यू बैक, आई विल टेक यू टू राधा कृष्णा। उसको विश्वास हो गया कि हाँ, अगर मैं लाल कपड़े लूंगा और अपना जीवन गुरुदेव को दूंगा तो गुरुदेव मुझे लेके जा सकते हैं, बट गुरुदेव मेरे तो बहुत सारे अनर्थ हैं। फिर गुरुजी बोलते थे कि जो तुम्हारे जितने भी अनर्थ क्यों ना हो, हाँ गुरुदेव ये बोलते थे तुम्हारे अनर्थ जितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरे से बड़े नहीं हो सकते, गुरु सबसे बड़ा है, तो तुम्हारे अनर्थ कभी भी गुरु से बड़े नहीं हो सकते, इसलिए अगर जब तक तुम्हें गुरु पे पूरा विश्वास है, गुरुदेव के इंटेंशंस पे विश्वास है, तो यू कैन कंटिन्यू भक्ति और तुम्हारा भक्ति आगे बढ़ेगा। तो गुरुदेव का एक ये बहुत वो था कि कैसे गुरुदेव अपने शिष्यों को बहुत मोटिवेट करते थे। दीदी महाराज जी आए हैं क्या, कहीं ऐसे ना हो हम बोलते रहे और महाराज जी का हमें आईडी नहीं पता ना। गीतांजलि यस दीदी महाराज इज ऑनलाइन, सो आई एम जस्ट अनम्यूटिंग मैं एक ठीक है, हाँ अभिलाष नाम से है वो, एक्चुअली मैं उनको अभिलाष, रीड नहीं ओके कर पा। महाराज जी, सो आप महाराज जी को अनम्यूट कर दीजिए, महाराज जी फिर आ जाएंगे। हाँ महाराज जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। अब महाराज आप एक बार अपने स्पीकर बटन पे क्लिक कर लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी, वी कैन सी यू बट वी कांट हियर यू बिकॉज यू हैव म्यूटेड योर सेल्फ, सो यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ, देन वी कैन हियर योर वॉइस।
यस नाउ यू हैव हरे प्योरिफाइड। कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, आपका कैमरे में आपका हाफ फेस आ रहा है, अगर आप कैमरा थोड़ा नीचे करेंगे देन वी कैन सी योर फुल फेस। अभी यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो महाराज जी, आई गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट यू। हमारे जो महाराज जी हैं, लाइक व्हेन आई केम इन भक्ति आई वाज सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम महाराज। महाराज जी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इट्स लाइक अमेजिंग। महाराज जी ने बीएससी ऑनर्स किया बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। देन हमारा इंडिया का जो नंबर वन इंस्टीट्यूट है दैट इज IIS, विच इज अबव IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जहाँ पे आई थिंक 80 सीट्स भी नहीं है। तो जो ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप 80 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। महाराज जी ने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया था। देन महाराज जी ने फिर IIT मद्रास से अपना MS बायो इंजीनियरिंग में किया। सो लाइक IIS, देन IIT, देन महाराज जी ने डॉक्टरेट किया था वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से आई थिंक। सो महाराज जी इज लाइक वेरी लाइक ही वॉज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट ऑल्सो। एंड आई रिमेम्बर प्रभुपाद जी अपने ट्रंक में अपने शिष्यों की डिग्रीज रखते थे दिखाने के लिए कि देखो कैसे मेरे एक एक शिष्य एक एक कोई LLB है, कोई लॉयर है, कोई MBA है, कोई MBBS है। सो महाराज जी के पास तो बहुत सारा डिग्रीज है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज महाराज जी यहाँ पे हैं, और महाराज जी बहुत अनुभूति संपन्न एक श्रेष्ठ वैष्णव हैं। और अभी महाराज जी बैंगलोर में रह के वहाँ के लोगों पे कृपा कर रहे हैं। बहुत सारे बैंगलोर के लोगों को महाराज जी भक्ति में लेके आए हैं। तो अभी हम महाराज जी से गुरुदेव की महिमा को श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण की नाम श्री कृष्ण लीला कथा ने सुदाक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषमात्रम रायणं तं शिरसा नमामि त्रिदंडीनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जहृदयकवृति चैतन्य लीला मृत सार सारम नारायण त्वं तद ब्रह्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Let me offer my millions of essences, lotus feet of love of the day. Millions of essences, lotus feet of all. Varga and lotus feet of Namnista, Santa Anandat Prabhu, all the assembled Vaishnava, Vaishnavis, at our Dandavat Pranam. Vancha Kalpataru Vyasha, Krupa Sindhu Vyavacha, Patita Nam Pavane, Jyo Vaishnavi, Namo Namaha. अच्छा, हम एक प्रश्न है, इंग्लिश में और हिंदी में बात करेंगे महाराज जी? हिंदी में, हिंदी हिंदी में। अच्छा ठीक है। अच्छा बहुत हमारे ऊपर बोल दिया, हम इतना क्वालिफाइड नहीं है, जीरो है। कृष्ण तत्व गुरु तत्व के सामने सभी जीरो है। हम ऐसा महसूस होता है हम इतना देखता है और सुनता है, ये कितना हो सकते है 0.00000001%। हम क्या नहीं देखता है नहीं सुनता है ये 99.999999999% मतलब हम कुछ जानता नहीं,
फिर भी थोड़ी ऐसा महसूस होता है इसको हम बड़ा कर देता है यू नो। तो ये हम गुरुदेव से हम सीखा यू नो, पृथ्वीराज नारायण महाराज। और महाराज गुरुदेव ने इतना महा महा भागवत था, इनके बारे में क्या बोलू यू नो, कोई होगा नहीं ना। फिर भी आपका लोग का आज्ञा है, थोड़ी सी ऐसा करेंगे। ऐसा गुरुदेव को हम न्यूयॉर्क में मिले थे 1997 में, पहली बार हम उस समय इस्कान में थे। हमको कुछ मालूम नहीं था इस्कान में ऐसा चीज आए। गुरुदेव ने उन्होंने महाराज जी आप थोड़ा कैमरा पीछे कर लेंगे तो आपका फेस पूरा आएगा, अभी हाफ आ रहा है। हाँ अच्छा अभी ठीक है। हाँ, अभी नीचे का थोड़ा सा कट रहा है नीचे का। अच्छा अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक। हाँ महाराज जी, तो उस समय इस्कॉन में देखिए स्वामी महाराज जी को उन्होंने समाधि दिए थे, सो इनका उत्तराधिकार यही है। बट ऐसा गुरुदेव ऐसा सोचते नहीं है, फिर भी हमको कुछ मालूम नहीं थे। हाँ भक्ति रक्षक सिद्ध महाराज का ना है तब तो कुछ, एनीवे ये अलग बात है। सो हम भी इस्कॉन से बाहर डाल देते उस समय न्यूयॉर्क लीग ऑफ डिवोटीज न्यूयॉर्क लीग ऑफ डिवोटीज ऐसा एक संस्था बना के हम एक मंदिर बन रहे थे न्यूयॉर्क 1997-92 से शुरू करके 25 फर्स्ट एवेन्यू 26 सेकेंड एवेन्यू में स्वामी महाराज जी ने शुरू किए थे। 26 सेकेंड एवेन्यू हम शुरू किया, 25 फर्स्ट एवेन्यू एक ब्लॉक ज़्यादा नहीं, 1/3 किलोमीटर 1/4 ऑफ किलोमीटर तो बस इतना ही। सो गुरुदेव जी पहले हमको कुछ मालूम नहीं थे क्योंकि वो बोलने वाला नहीं थे। और एक स्वामी महाराज जी का शिष्य थे पूर्व, हाँ जानकारी होगा, ये टैक्सी ड्राइवर थे न्यूयॉर्क में। हम इनसे बहुत बातचीत चल रहे थे, ये एक दिन बताए देखिए नारायण महाराज आ रहा है, मालूम है कौन है? नहीं नहीं हो देखो ये स्वामी महाराज जी को समाधि दिया है और इतना सेवा किया है, पूछे मत। और स्वामी महाराज ने इनको 300 ज्यादा लेटर लिखा है सामान्य ने, सो इसलिए ये आ रहा है। इनको कोई इसका जगह नहीं देता है रहने के लिए न्यूयॉर्क में, आप कुछ कर सकते हैं? उस समय हम किसी को पूछना जरूरत है इसलिए हम बोलते हैं क्यों नहीं। और एक सो अभी हमार परिस्थिति क्या थे, वी आर अबाउट 80% फिनिश बिल्डिंग। अभी न्यूयॉर्क में बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई रहने के लिए, नहीं हो तो इलीगल है, आर्किटेक्ट भी ही विल लूज दी लाइसेंस। इसलिए हमको वार्निंग दे थे, यू नो यू कैन स्टे बट डोंट अलाउ एनीबॉडी बिकॉज आई विल लूज लाइसेंस। यू नो बहुत स्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क सिटी में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। यू नो एक बिल्डिंग बनाने के लिए अप्रूव ड्राइंग आने के लिए हमको 3-4 साल लगा, यू नो। सो 80% हो गए थे, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं थे, फिर भी हम रिस्क लिया क्या होगा, यू नो इतना अपॉर्चुनिटी है महाभागवत वैष्णव को सेवा कुछ करने के मौका है, इसलिए हम बोल दिया। सो हमको आज भी रिमेम्बर है उस समय पहली बार गुरुदेव आया और ब्रजनाथ प्रभु थे और माधव महाराज सन्यासी नहीं थे उस समय, ब्रह्मचारी। सो 97 में आए और एक हफ्ते रहने वाला 2 हफ्ते रहे थे। सो उस समय स्वामी महाराज जी का तभी तॉमकिंसन स्क्वायर पार्क एक पेड़ के नीचे स्वामी महाराज शुरू किया और सभी चीज और उस समय 200 भक्त लोग इनके साथ थे, 100 लेडीज ऊपर कमरे में ऊपर फ्लोर में और नीचे 100 मेल, और गुरुदेव के लिए एक
अलग हमको मालूम नहीं था कितना हुआ, इतना सेवा किया उस समय। दो हफ्ते रहे थे उस समय कितना कोई किताब नहीं थे, गीति गुच्छा वाज रिंग बाउंड, और एक ही किताब थे बियॉन्ड वैकुंठ, ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम थे गुरुदेव के प्रीचिंग में, वेस्टर्न प्रीचिंग में बहुत इम्पोर्टेंट समय थे। तो ऐसा हमारा मुलाकात हुआ, और इनका आदर बह क्या बोलिए, और हमको आदेश दिया बैंगलोर में जाके एक मठ बनाओ, क्यों ये हमारा परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज जी का इच्छा थे, इसलिए आप करो। सो हम इधर आ गए ना, हम वाशिंगटन डीसी में टीचिंग कर रहे थे एक सेंटर बना के, और न्यूयॉर्क में भी अपस्टेट वगैरह वगैरह, और इधर आके बैंगलोर में 2004 में हम शुरू किया। तो पहली बार उधर हम लैंड ले लिया इधर, और गुरुदेव ने आया इधर, उनको बताया था हम आएंगे, सब फोटोज वगैरह भेज दिया, ये हम रजिस्टर भी कर दिया, ये आए थे। इधर एक घटना हुआ, क्या हुआ 2004 में बैंगलोर, एक हमको कोई जानकारी नहीं थे, ये हमारा मठ ये जगह है यसरघट्ट, मतलब व्यासरघट्ट वेद व्यास जी का बैठक प्लेस है, और आज भी भीम का पादचिन्ह 50-60 पादचिन्ह है नज़दीक में, और हमारा गुरु परंपरा में ईश्वरपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद, लक्ष्मीपति तीर्थ, व्यास तीर्थ, ये व्यास तीर्थ ने एक महीने इधर टारे थे नज़दीक, सब बचपन में था सब बहुत, और अर्कावती नदी चलता है जमुना का सामान ऐसा कुछ कुछ है, और वेद व्यास का गुफा भी है इधर, और थोड़ी दूर में राम का हनुमान जी का पाद चिन्ह है, तो ऐसा बहुत चीज़ है आजू बाजू में। सो हमको मालूम नहीं था ये जगह, आने के बाद पता लगा कि कैसा है। सब गुरुदेव ने पाला आया, उन्होंने बताया देखिए ये तीर्थ स्थल है, एक बार एक दिन हजारों लोग आएगा, हजारों लोग रहेगा, ऐसा बोल दिया दो तीन चार मिनट के अंदर, पहली बार 2004 में आए थे। सो उस समय क्या हुआ, हमको इतना लोग मालूम नहीं थे, हम प्रचार के जा रहे थे, इधर एक स्कूल के सामने एक गणेश मंदिर है, ट्यूसडे मीटिंग होता है, ये लोग हमको बुलाए थे, हम भी थोड़ी कीर्तन करके बात किया, ये लोग को इन्वाइट किया, हमारा मठ खोल रहा है आप आइए ना। इसमें क्या हुआ, एक माता जी ने हमको बताया हम आपसे थोड़ी बात करना चाहिए ना, चाहता हूँ। अच्छा उधर नवग्रह ये थोड़ी उत्तर लेके गया और बोला देखिए किसी को बोलना ये चीज़ नहीं है, हमारा एक फ्रेंड है एक लेडी का चीज गर्भिणी, स्कैन किया है अंग विकल है अंदर में, अभी ये पता लग गया माँ को, अभी इनको नींद आएगा और बहुत दुख आएगा ना, बहुत टेंशन आएगा, क्या हो जाएगा क्या, अभी क्या करे इसको, इनको बोला हम तुरंत बोल दिया इनको, देखो हमारा गुरुदेव आने वाला है, इनको दर्शन करिए इसका ठीक हो जाएगा, ऐसा हम बोल के आ गया। और हम इनसे पूछा देखिए हमको आपका नाम मालूम नहीं, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है, हम गुरुदेव आने के बाद हम आपको कैसा बताएंगे। सो उन्होंने दिखाया इनका घर, ये कोड़ी फार्म ऐसा है ना, इस इंजीनियर इनका पति ने है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उधर। सो हम आ गया, सो गुरुदेव ने आया, हम इनको बताया, लोग गुरुदेव को ये बात में नहीं बताया फाला। सो ये दूसरे दिन सुबह 10-15 माता जी लोग आ गए, हमको मालूम नहीं थे इसमें एक हाई गर्भिणी अंग विकल हाई अंदर
को मालूम नहीं था, इनका माता की नाम भी मालूम। सब उस समय गुरुदेव चेयर में बैठे थे इनके कमरे में इधर, उस समय हम गुरुदेव को नीचे बैठ के बताया, ये माता जी में एक माता जी है गर्भिणी है, इनका अंग विकल है अंदर, सो इनको ठीक होना। हाँ ठीक है ऐसा बोल, इन्होंने पूछा नहीं कि खाना है ऐसा ऐसा, कैसा पूछेंगे पब्लिक में, देखिए ना। सो गुरुदेव मत समझते थे, इन्होंने पूछा नहीं और इनको आशीर्वाद दिया, थोड़ी प्रसाद दिया, बस हो गया 5 मिनट का लोग निकल गए। तो बाद में हमको 6 महीने के बाद ऐसा हुआ, एक हमको बहुत समस्या थे इधर, 6-8 महीने के बाद हम एक गौशाला बनाए थे उधर, कड़ा थोड़ी सेवा कर रहे थे। उस समय एक पति पत्नी और बच्चा के साथ स्कूटर में आया और 24 केजी राइस चावल हमको दान किया। हम सोचा ये भी हो सकते हैं ऐसा। बाद में नहीं क्या हुआ, इधर गए थे हम रास्ता में, एक दिन ये माता जी मिला हमको, पहला मिला था ना माता जी। सो इनसे बात किया, आप कैसा है क्या, ओ ठीक है क्या हुआ, वो हमारा फ्रेंड इनका घर गया, डिलीवरी हुआ, नॉर्मल बेबी बोल दिया, समझे ना, नॉर्मल। देखिए गुरुदेव का ना कृपा, उन्होंने आशीर्वाद करके ये बच्चा का प्रारब्ध कर्म कुछ था इसलिए अंग विकल हो गए थे, इसको भी ठीक कर दिया। सो ऐसा इतना चमत्कार। और बाद में मालूम पड़ा उस समय गुरुदेव ने इनको आशीर्वाद दिया, ये माता जी को ऐसा समझ में आया अंदर, ये बच्चा भी ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा, और इनका ऐसा महसूस आया एक शक्ति लाइट ऐसा अंदर चला गया ना, पास हो गया इनको। सो ऐसा बाद में 2 साल के बाद में पता लगा। तो ऐसा गुरुदेव का पूछिए मत, दिखाएगा नहीं, बहुत चमत्कारित। और बहुत चीज है, एक बार हम बहुत दूर है, देखिए ना, देखिए गुरुदेव का महिमा। अभी आप लोग भी सुना है, कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाता है, सचमुच अस्त व्यस्त नहीं हो रहा है, समझे ना, बिल्कुल नहीं। ये मौका देने के लिए, सेवा का मौका देने के लिए ऐसा हो रहा है। ये चिन्मय है, गुरुदेव चिन्मय है, इनका चिन्मय देह है ना। ये अभी पद्म पुराण में भी ऐसा ही ना, अभी आप परम वैष्णव को महाभाव वैष्णव को ऐसा पंच महाभूत बनाया, ऐसा ये अपराध होता है ना। सो ये कैसा लगा हमको, हमारे भाई डॉक्टर थे उस समय बैंगलोर आते थे, इनको परीक्षा करते थे, इनको एक मौका देने के लिए ऐसा नहीं। सो हमारे डॉक्टर ने बताया, देखो भाई हम बहुत लोग को देखा हूँ बट इतना सोचने से बाहर देखने से इतना प्रॉब्लम है, फिर भी ये नॉर्मल चल रहा है, ये आश्चर्य का बात है, यू नो ऐसा। सो समझे ना। सो ये कुछ सेवा करने से इनको इनको भक्ति में आ जाएगा, ये इसके लिए कर रहे थे ना, ऐसा नहीं, बहुत चीज। और अपने आप भी एक बार क्या हो, रात का 10 बजे हम बहुत दूर आए, हमारा गाड़ी भी नहीं है, एक अस्पताल भी नज़दीक नहीं है, गुरुदेव को ऐसा व्रजनाथ ने बोला अभी क्या करें ना, हम जाके एक डॉक्टर को लेके आया और सब डॉक्टर के ऊपर पता नहीं डॉक्टर क्या किया, ठीक हो गया तो इनका ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा मौका दे देता है ना। सो कुछ भी नहीं होता, ये अपना इनका बहुत ये है ना,
शक्ति है अपने आप ही ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अभी इनका अस्त व्यस्त लीला में भी दिल्ली में एक बार देखिए इनको इतना, आप लोग भी सुना होगा, एक गौरगोविंद महाराज भी बताता है, देखिए क्या करता है ना। आप सोचते हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी बताया है, आप गुरुदेव को नमस्कार करने के पहले ही गुरुदेव हमको अपना गुरु सभी का हृदय में हाय ऐसा समझ के नमस्कार कर देता है। तो एक बार एक चीटी गिटी भी होते हैं, बताए थे सावधान रहो सावधान रहो, चीटी है इतना सभी जीव के ऊपर उन्होंने इतना दया कृपा थे। दिल्ली में भी ऐसा ही एक बार क्या हुआ, उस समय बात किसी से बात नहीं कर रहे थे हमको, ये हम गए थे देखने के, हमसे बात किए, क्या किया पहला पूछा, देखिए ये चंदन चंदन ट्री कैसा है, चंदन कैसा हो रहा है, को आश्चर्य हो गया। देखो इनका मन में क्यों चंदन आया, और कुछ नहीं ना। तो इसका मतलब ये अपना सेवा में लग गया, चंदन डाल रहा है। अभी मंजरी रूप में चंदन का सेवा चल रहा है, तो इसलिए देखिए ये इनका मन में आया, वाह को आश्चर्यचकित हो गए। उस समय हमको मालूम नहीं था, उस समय हम सोचा क्यों गुरुदेव कभी भी बैंगलोर आता है और हम जाता है देखने के लिए, हम चंदन लेके जाता है, बहुत पसंद करता है, भगवान के सेवा में लग जाता है। और उस समय इसके बारे में पूछा, सो हमको मालूम नहीं पड़ा इसका, इसका क्यों ऐसा पूछ रहा है। गुरुदेव ने नित्य लीला प्रविष्ट होंगे उस समय हमको मालूम, यही बात कर रहे थे, खुद कर रहे थे, इसलिए इनका ज्यादा। तो ऐसा आश्चर्य का बात है। एक बार हम बैंगलोर में हम अकेले थे इनके साथ, उस समय गुरुदेव ने हमको बताया, कुछ पूछ रहे थे, इधर नजदीक राम का लीला चल रहा है और रामानुजम का दिव्य कलेवर आज भी है श्रीरंगम में, 900 1000 हो गया, अभी 1000 साल हो गया, रामानुजम का दिव्य कलेवर आज भी है ना, ज्ञान मुद्रा में बैठा है सचमुच। सो इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, उस समय बताए गुरुदेव, हम अंतिम श्वास रहने तक हम प्रचार करता रहूंगा, ऐसा बोल। देखिए प्रचार के लिए इतना इतना कष्ट है ना, हमारा गुरु परंपरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताए थे ना, कोटि कोटि आस्पत्रे भी कुछ नहीं, एक जीव को माया से लेके आने से माया से उड़ाने से मुक्त करने से इतना इम्पोर्टेंट होता है। सो ऐसा गुरुदेव तत्पर रहते थे हमारा गुरु परंपरा, और हमारा गुरु परंपरा के ऊपर इनको इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास थे, पूछिए मत। और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज एक बार ऐसा हुआ ना, एक लीला में गुरुदेव ने बताए थे, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती सुना, ये लोग कंप्लेंट किए ऐसे कैसा आई, नहीं हम भक्ति से भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से सुना, और भक्ति से प्रज्ञान केशव महाराज और भक्ति से क्या फर्क है, समझे ना, इतना दृढ़ विश्वास, मतलब एक ही उपाय। इसलिए गुरु कौन हो सकते हैं, इनका इतना विश्वास होता है गुरु परंपरा में,
कोई प्रश्न भी नहीं है। और इन लोग से सुनता है ना, बातचीत करता है, सुनता है ना, ऐसा बहुत लीला है ना। कोई भक्त लोग बोलता है परम गुरुदेव नित्यलील प्रविष्ट होने के बाद भी वामन महाराज और गुरुदेव भक्ति प्रज्ञा के आ गए थे, उनसे बातचीत किया, उन्होंने बताया कैसा वामन महाराज को किस डॉक्टर के पास लेके जाना और कैसा ये डॉक्टर वामन महाराज जी से दीक्षा लेगा, ये सब पारा ही बोल दिए। तो इतना विश्वास, इतना गुरुदेव परम गुरुदेव के बारे में ना। और तीनों कैसा थे, वामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज, गुरुदेव, वाह, ये हमारा देखिए मन में ऐसा आता है ना, हम गुरुदेव से क्या सीखा ना, ऐसा सीखना होना चाहिए, कोऑपरेशन ना। मतलब तीनों तीन देह एक आत्मा ऐसा हो गया। अभी समझ लीजिए हमारा सभी गुरुदेव का शिष्य लोग और भक्त लोग ऐसा एक ही आत्मा हो जाए, कौन इसको रुक सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू नो, ऐसा इच्छा है और गुरु परंपरा को इच्छा है ऐसा। और गुरुदेव ने इतना हमको दिया है, वो बोल रहे थे हम हमारा हाथ देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं, सचमुच देने के लिए, क्या दिया है हम, क्या इनको सो असमर्थ है, असमर्थ है, इसलिए हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं बस, कृपा करता रहिए। हम इतना बदमाश हूँ, इतना कमजोर हूँ, और गुरु का कृपा बिना कुछ नहीं होगा, है ना, यही है। सो ऐसा, और अंतिम समय देखिए, गुरुदेव ने नित्यलीला प्रविष्ट हो गया हुआ, और समय बहुत लोग थे, इकट्ठा हो गए थे, हमको मैसेज मिला 5 बजे सुबह, और हम इधर प्रोग्राम वगैरह करके 10 बजे लास्ट फ्लाइट लिया कलकत्ता के, कलकत्ता से नवद्वीप 4 बजे सुबह हो गया। उस समय 24 घंटा हो गया है गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट हो गया, 24 घंटा 4 बजे, हाँ दूसरा दिन, इसके बाद में 12 घंटे हो गया इनको कोलदीप सभी परिक्रमा इनको देखे, खड़े हुए स्नान करके गंगा में देवानंद गौड़िया मठ में जाके सभी, बाद में वो समय देखिए, अभी कोई डॉक्टर, हम भी पढ़ाई किया हूँ मेडिकल भी, तो एक घंटा में बॉडी क्या हो जाता है, ऐसा लकड़ी ऐसा हो जाता है सचमुच ना, इसको बेंड नहीं कर सकते। बट गुरुदेव का देव देखिए 24 घंटा इवन 35-36 आवर्स पास स्टिल इतना बेंड होता है, ये करता है वो करता है, और इनको स्पर्श किया हम अंतिम समय, सो इतना सॉफ्ट थे और इतना हाई, सचमुच हाई, ऐसा नहीं ना, ऐसा सब महसूस आता है। सो ये मालूम पड़ता है शास्त्र का आधार से, ये चिन्मय है ना, सचमुच चिन्मय थे। अब बट हमका जानकारी नहीं होता है ना, बद्ध है, हम सोचता है अभी ऐसा लाल चश्मा डालने से सभी चीज लाल दिखता है, बट सभी चीज लाल है ना, चश्मा का प्रॉब्लम है, सम त्रिगुणात्मक बंधन है, इसलिए हम सोचता है सभी त्रिगुणात्मक में आए, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध होता आता है। तो ऐसा गुरुदेव का महिमा पा, और उन्होंने सबको खींच लिया,
अलग अलग तरीका डिवोटीज अलग अलग जगह से इतना हरे कृष्ण प्रेम थे इनके ऊपर भक्त लोग के ऊपर। तो यही हमारा बहुत बड़ा संपत्ति है ना, इसको कैसा आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। और देखिए कभी भी गुरुदेव को बोलना मत, क्यों? अभी देखिए ब्रह्मा को क्या हो जाता है, ब्रह्मा इमोहन लीला में ब्रह्मा ने इसको हरण कर दिया बछड़ा और सकालों को, बाद में चले गए ऊपर। ऊपर क्या हो गया इनका, द्वारपालक लोग इनको उठा दिए, ए आप कौन है, आप नकली है ना। सो असली आ गया है, ब्रह्म आ गया है, हमको बताया है ना, असली नकली आएगा इनको आलोम। सो फिर भी इन्होंने सोचा हम इनको देखना है, अंदर गया, ये अंदर देख रहा है, वाह इतना तेज है ब्रह्मा, और उन्होंने बोल रहा है इनका द्वारपाल बोला, आप क्यों, ये कौन है ये चार सिर वाला इधर क्या कर रहा है, नहीं ऐसा है, हाँ नहीं इनको बाहर डाल देखो। सो स्मृति हो गया, मतलब अपराध सोचा ये साधारण है कृष्ण और गुरुदेव, उस समय हम भी हमारा पतन हो। सो सचमुच गुरुदेव यही बोलता है ना, कृष्ण का कृपा गुरुदेव का द्वारा ही आता है, और गुरुदेव अभिन्न सेवा विग्रह है, भगवान है, सेवा भगवान, सेवा भगवान, तो विषय भगवान कृष्ण है। हरे कृष्णा महाराज जी, टाइम हो गए महाराज जी, टाइम हो गया, श्रीधर महाराज जी लाइन पे हैं तो फिर उनको लेना है, वो जल्दी विश्राम करेंगे, आज परिक्रमा गए थे ना महाराज। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको रोकने का इच्छा नहीं कर रहा था लेकिन अभी समय का पाबंद ऐसा है इसलिए। समझ समझ, बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आपने गुरुदेव का स्मृति करवाया बहुत अच्छा, बैंगलोर वाला गुरुदेव का बहुत अलौकिक चरित्र है, ऐसे गुरुदेव की मथुरा में भी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। द्विजा प्रभु बता रहे थे कि द्विजा प्रभु को सुबह सुबह गुरुजी बोले कि जल्दी चलो मेरे को कहीं जाना है, एकदम आने करते ही तो द्विजा प्रभु बोले कि आप लोग कहीं जाना होता है तो लोग तो मुझे बोलते हैं ना, मुझे निमंत्रण देते हैं, तो कहाँ जाना है, गुरुजी बोले बात मत करो जल्दी चलो। तो गुरुदेव फटाफट उनको एक सब्जी मंडी का आड़िया है उसके पास घर पे लेके गए, और वो बिल्कुल शरीर छोड़ने के लिए बिल्कुल डेथ बेड पे लेटा हुआ था, और गुरुजी ने जाके उसको वहां पे सांत्वना दिया, उससे महामंत्र बुलवाया, और गुरुदेव के सामने ही उसने शरीर छोड़ा। तो कैसे सुबह सुबह गुरुदेव ने द्विजा प्रभु को बोला जल्दी चलो मुझे कोई बुला रहा है, निमंत्रण आया है। तो द्विजा प्रभु बता रहे थे कि कैसे गुरुदेव ने एक बात बोली थी ना विदेश में, आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ, तो गुरुदेव कैसे इसमें प्रतिष्ठित हैं, और सच्ची में कैसे हर अपने शिष्य के कितने नजदीक हैं कि सुबह सुबह अपने उस शिष्य के पास जाना, उसको अभय प्रदान करना, और फिर गुरुदेव के समक्ष ही उसने अपने प्राणों को त्यागा। तो गुरुदेव का ऐसे बहुत सारी अलौकिक घटनाएं हैं महाराज जी, आपने स्मरण कराया बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी श्रीधर महाराज जी हैं, अतुल प्रभु आप कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, महाराज जी को लेंगे लाइन पे। So I got some laddus from Tirupati, Balaji. So I just want to give it to you. Good day. Good day. Good day. Good day. This is how it looks like. You should come. You should visit one time to Tirupati.
last time also you said that you were going to come. Yes. This time I try coming. Yes. Please come. There is everything is okay? Oh, everything is okay. This is a small one. So I spoke to Madhav Maharaj. Yeah. So the answer asked me. Oh, did he tell you? Yeah. Hare Krishna, Dandavat Pranam Maharaji. सब भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप सबको रस पान कराओगे. महाराज जी फल प्रसाद बांट रहे हो? हाँ, फल प्रसाद. और क्या दिया? महाराज जी कथा प्रसाद भी. How many days take now? Oh, I'll be until first. Okay. I'll see. Thank you. Because in the program, actually, yeah, it's yeah. March. April. Okay. So first we'll have Tirupati. Dandavat Pranam, Maharaji. Maharaji, Dandavat Pranam. Atul Prabhu, ab Maharaji ko boliye, start kar le. Hare Krishna, Maharaji. Hare Krishna. Hare Krishna. Kitna samay bolna hai? महाराज जी 20 मिनट 25 मिनट. ठीक है 10 मिनट बोलते. ठीक है ठीक ठीक. गुरुदेव को ऊपर में बोलेंगे? हाँ जी महाराज जी. ओ मैं ज्ञान तिमिरा सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी हाँ जी. मैं ज्ञान तिमिरा दस्य ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ. तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सर्वजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ. उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ. हरे कृष्ण. आज हम लोग गुरुदेव का सेंटेनियर को उपलक्ष्य में गुरु जी की महिमा को आज हम श्रवण करने जा रहे हैं. इसलिए पुराण में बताया बोले ध्यानम मूलम गुरु पदम ध्यान मूलम गुरु कृपा ध्यान मूलम गुरु पदम मोक्ष मूलम गुरु कृपा. इसका मतलब है कि जगत में यद्यपि बहुत तरह का ध्यान है लेकिन ध्यान में सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या है बोले गुरु जी के चरण कमल को ध्यान करना ही यही जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है. और मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहते जीव को भगवत भक्ति प्राप्त कैसे होएगी बोले गुरु की कृपा से ही जीव को भगवत भक्ति गुरु की कृपा से ही मिल सकती है. कहते मंत्र मूलम गुरु वाक्य कहते मंत्र का मूल क्या है बोले गुरु का वाक्य ही ये मंत्र का मूल है. इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करियायुक्त आर ना करिय मने आस. अतएव आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि गुरु जी की कथा को गुरु जी की महिमा को हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं. इसलिए हमारे जितने सारे शास्त्र है सारे शास्त्र जैसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र में श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है जिसको बताए
अथ अयम ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास्कर सौ वेदार्थ परिवर्णित। ये भागवत क्या है? यदि ये भागवत जितने वेद पुराण उपनिषद जितने सारे ग्रंथों का ये मूल ये श्रीमद् भागवत, इसलिए बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकोचित। जो व्यक्ति भागवत रस को पान कर लेते हैं उसको और किसी शास्त्र में उसको रुचि नहीं रह जाती। इसलिए भागवत का हर पद पद में जहां पर केवल श्री गुरु जी की केवल महिमा गाई गई। इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है बोले जन्मादस्य जतन्यादितरतस्त स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहिहंत जत सूरयो तेजो वारी मृदाम विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्यानास्वेन सदा निरस्त पुवकम सत्यम परम धीम। कद से सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ करते भागवत का सर्वप्रथम उन्होंने श्री गुरु जी की प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो कहते उनका गुरुदेव कौन है, कहते उनका गुरुदेव श्री राधा रानी। इसलिए प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, कहते ये राधा रानी की प्रिया सुख है। जब राधा रानी की प्रिय सुख है सबसे पहले तो राधा रानी की वंदना करेगी ना, राधा रानी को प्रणाम करेगी। इसलिए प्रथम श्लोक में श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी कौन है? बोले सत्यंग परम धीमहि। इसलिए जो परम सत्य है वो नहीं, ये परम शब्द है परम च पराम च इति परा। इसलिए राधा रानी कौन है? देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका परा देवता। इसलिए परम शब्द से उन्होंने सबसे पहले अपना कृष्ण की पराशक्ति श्री राधा रानी को सर्वप्रथम ये वंदना करते हैं। बोले राधा रानी कौन है? बोले जन्मादस्य जत जिनसे सृष्टि स्थिति का जिनसे ये आदि रस प्रकट होता है। पहले उन्होंने गुरु जी को सबसे पहले वंदना करते हैं। फिर जब आगे चलते हैं फिर जब श्री सौनकादि ऋषि लोग को सौनकादि लोग प्रश्न करते हैं वहां पर भी सुत गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले मैं अपना गुरु जी को वंदना करते हुए जो कुछ बताऊंगा। इसलिए वहां पर भी उन्होंने जब प्रभजन तम अनुपीतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आज भाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। तो फिर उन्होंने अपना गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी को पुनः प्रणाम करते हुए उन्होंने उत्तर देते। इसलिए हम जहां देखे भागवत में सर्वत्र गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी की महिमा सर्वत्र है। इसलिए वहां पर श्री प्रह्लाद महाराज भी कहते हैं नैसांग मति स्तावत उरु क्रमांग्री स्पीसार्थ अनर्थ अपगम जतर्थ निष्किंचना नाम न प्रणित जावत। जब तक कोई व्यक्ति सदगुरु का चरण का आश्रय नहीं ग्रहण करते जो कुछ भी कर लो ये मति कभी भगवान में लगने वाले नहीं। श्री भरत महाराज भी यही कहते हैं रघुगणे न तपस्या न जाति न इजया न निर्पाप न गृहत वा नैव छंदासि जैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषयक। जब तक किसी महान साधु के चरण में हम शरणागत नहीं होते तब तक तपस्या ध्यान ज्ञान कुछ भी कर लो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भी ये कौन है? कहते ये राधा रानी जी से किशोर जी की ये प्यारी एक सखी है जिसको स्वयं राधा रानी वृंदावन में रहते समय स्वयं राधा रानी कहती हैं सेवा कुंज पुजारी को जाओ कि जो नारायण महाराज ये मेरी मंजरी और सखी है इनको जाकर के ये प्रसाद दे करके इनको आओ। इसलिए राधा रानी जिनको स्थापन करती हैं हमारी सखी ये मंजरी रूप में और उनका कहना क्या। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं इस जो मंजरी और इस राधा जी की सखी उनकी सानिध्य हमें प्राप्त हुआ ये कोई
साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए शास्त्र ने बताया महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है कहे। जब तक किसी महान व्यक्ति की कृपा नहीं हो कौन कर्मे भक्ति नहीं, और किसी उपाय के द्वारा भगवत भक्ति जीव को प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त होता है किसी महान पुरुष की आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम उदाहरण देते हैं हमारे जो महाराज है ये कैसे है, टच स्टोन है। ये महाराज जी एक पारस मणि थे, जैसे पारस पत्थर में जैसे लोहे को स्पर्श कराने पर लोहे सोने बन जाती है, उसी तरह हमारे जो महाराज जी ये एक ये पारस पत्थर थे, इनको संस्पर्श में जो आ गए ना वो सबके सब सोने बन गए, सबके सब सोने बन गए। इसलिए इनका नाम इनका गुरुदेव नारायण नाम देते हैं। जब उन्हें जन्म हुए हमारे भारत में ऐसे नाम नहीं देते थे, इसलिए जन्म पत्री को देख करके ही उसी के अनुरूप उनका नाम प्रदान करते हैं। इसलिए इनका घर का नाम भी नारायण नाम था। हैं? फिर जब उन्होंने मंदिर में आए गुरुदेव भी इनका नाम गौर नारायण दिया। फिर जब संन्यास ग्रहण करते हैं उनका गुरुदेव तब भी इनका नाम नारायण प्रदान करते, नारायण 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 है, इनका नाम नारायण नाम क्यों दिया, तो उनका नाम में ही उनका सारे काम विद्यमान। नारायण का एक अर्थ होता है नर मतलब इंसान, अयन मतलब आश्रय, जो सारे व्यक्तियों का जो आश्रय है। सचमुच से हमारे जो गुरुदेव है सचमुच से उन्हें सबको उन्होंने आश्रय दिया, किसी को कोई भी इनकी शरण में आ गए गुरुदेव ने सबको अपना शरण में आश्रय दिया। जैसे भगवान राम कहते हैं सकृत एव प्रपर्णाजस्तवामस्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतमम। ये मेरी व्रत है, क्या व्रत है, अगर एक बार कोई अगर बोल दे ठाकुर जी मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरे हो मैं आपका हूँ, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं हर समय अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए कृष्ण ने जते गुण भक्तते संचारित, भगवान के अंदर में जितने गुण हैं वो सारे गुण भगवान के भक्तों के अंदर में विद्यमान होता है। हमारे महाराज के अंदर में ये सारे गुण देखने को मिलता है, सारे गुण देखने को मिलता है। इसलिए हमने देखा स्वयं महाराज का नजदीक में रह करके देखा गुरुदेव का शरण में कोई भी आ गए और इनके अनुगत्य में भजन साधन करना चाहते हैं, गुरुदेव अपना चरण में सबका स्थान, सबको गुरुदेव ने स्थान दिया। इसलिए हम उदाहरण देते हैं जैसे जीव गोस्वामी, जैसे जीव गोस्वामी की शरण में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों आए, लेकिन वो तीनों कोई भी जीव गोस्वामी का कोई भी शिष्य नहीं थे, हैं? कहते ये सबके सब अलग 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 व्यक्ति का शिष्य थे, लेकिन इन्होंने सबको आश्रय दे करके सबका चरण में रख करके उन्होंने सबको सारे शास्त्र ज्ञान उनको पारदर्शी करके उन्हें तीन दिशाओं में भेजा। हाँ नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने मणिपुर में भेजा, श्री श्यामानंद प्रभु को उन्होंने भेज दिया, कहते श्यामानंद प्रभु हम उड़ीसा में भेज दिया, और श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने बंगाल में भेज दिया। उन्होंने तीन जैसे सेनापतियों को तीन दिशाओं में भेज करके उन्होंने क्या किया, सर्वत्र हरिभक्ति को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और प्रसार हरिभक्ति को किया। उसी तरह हमारे गुरु जी के अंदर में भी यही चीज देखने को मिलता है। इसलिए आप इनको साथ में श्री जीव गोस्वामी को हम इनको साथ में उदाहरण देते हैं। इनको पास में नारायण, नर मतलब इंसान, अयन मतलब आश्रय, जो सबको उन्होंने आश्रय दिया है। दूसरे इनकी इतने प्रभाव था जैसे उस समय में श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आए थे, जैसे उस समय श्री जगन्नाथ दास बाज महाराज सार्वभौम में सारे भूमि में जैसे एक अक्षत्र वैष्णव जगत में सर्वश्रेष्ठ रूप में थे, उसी तरह हमारे गुरुदेव भी महाराज भी श्री ब्रजमंडल श्री क्षेत्रमंडल और श्री नवद्वीप धाम हैं, तीनों धाम में गुरुदेव जब रहते थे अगर कहीं भी जाकर के बोल कोई बोल देता था आप किसके आश्रय है आश्रित है, बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इनका नाम सुनते ही सबका सबका सर नीचे झुक जाती थी, नारायण महाराज का आश्रय, वो बहुत बड़े महापुरुष है,
साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े संत श्री नारायण गोस्वामी महाराज है। इनके नाम सुनते ही सबके सब सर इनके चरण में झुक जाता था। इसलिए उसी तरह हमारे महाराज भी सबको आश्रय दिया, अलग अलग जितने शिष्य थे हैं सबको उन्होंने आश्रय दिया। मैं जैसे हूँ, मेरे बचपन में मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी मैं भी थोड़ा हरी कथा सीखू, हरी कथा बोलू। फिर मैंने पता लगाया इसी समय में ऐसे कौन व्यक्ति जो सुंदर हरी कथा बोलते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमने सुना एक मथुरा में रहते हैं श्री नारायण महाराज, बच्चों को बड़े प्यार करते हैं, बच्चों को अपना शरण में रखते हैं, हरी कथा सिखाते हैं, श्लोक सिखाते हैं, खड़े करके उनको हरी कथा बुलवाना सिखाते हैं। इसलिए मैंने भी आकर्षित होकर के महाराज की श्री चरण में मैंने भी आकर्षित होकर के आए। तो बोले मैं नहीं और दूसरे दूसरे गुरुदेव का जो शिष्य थे श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज का शिष्य आए, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का तो बहुत बहुत शिष्य, उनकी बहुत सारे शिष्य आए। जैसे श्री त्रिदनी महाराज आए, श्री श्री पद्मनाभ महाराज आए, सज्जन महाराज आए, त्रिदनी महाराज, इस सबके सब श्री नेमी महाराज, ये सबके सब भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का शिष्य थे। सब के सब इनकी श्री चरण में आए। भक्ति प्रमोद श्री पुरी गोस्वामी महाराज का शिष्य, जैसे सिद्धांत महाराज, माधव प्रिय प्रभु आए, अलग 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 शिष्य सबके सब आकर के गुरु जी की शरण में रह करके इस सबके सब हरि कथा सीखे। और जो महाप्रभु का भविष्यवाणी था, पृथ्वी से आचजत नगराधिग्राह सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम गूंज उठेगा। सचमुच से गुरुदेव तो स्वयं गए, सारा दुनिया पृथ्वी में भ्रमण किया, 30 ना 36 बार भ्रमण किया पृथ्वी में, और उन्होंने अपना शिष्य वर्गों को भी, अभी भी उन्होंने अपना शिष्य वर्गों को भेज करके सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार श्री अभी भी गुरुदेव कर रहे हैं। इसलिए इनका नाम नारायण, नारायण का दूसरा अर्थ क्या, नर, नर मतलब होता है रस, अयन मतलब होता है आश्रय, जो रस का आश्रय है। सचमुच से हमारे जो महाराज का जो कथा है, हैं जैसे श्री जीव गोस्वामी का कथा कैसे बड़े बड़े सिद्धांत पूर्वक कथा, फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कथा बोले रस पूर्वक कथा है। कहते मानो हमारी गुरु जी के अंदर में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी, ये दोनों का समावेश हमारे गुरु जी के अंदर में। इसलिए गुरुदेव जो कथा अभी भी आप जो गुरुदेव कथा सुने, अभी भी सुन रहे, देखना उनकी कथा में दोनों चीज एक साथ में, जैसे उनकी कथा में सिद्धांत है, उनकी कथा में भी रस है। सचमुच से जो रस के वो आश्रय थे, एक बार अगर उनकी कोई कथा सुन लेना, जैसे गुरु जी कथा हम लोगों ने सुन ली, सुन लिया तो और कहीं इतना तत्रसामृत तृप्त नान्यत्र साथ रति पची। जैसे भागवत कथा सुनने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद उनको और किसी ग्रंथ में रुचि नहीं रह जाती है, उसी तरह जो हमारी गुरु जी से एक बार कथा सुन ली है ना, बस और कहीं भी कथा सुनती की हमारी रुचि नहीं होती है उनकी कथा सुनने का बाद। इसलिए उनकी कथा में इतने सिद्धांत, इतने तत्व दर्शन, इतने फिलोसफी कथा को अंदर में। इसलिए विशेष करके है कहते जैसे संबंध अविधय प्रयोजन, कभी ये जगत में ये संबंध तत्व प्रभुपाद का आश्रय वर्ग में किसने संबंध तत्व को विशेष करके स्थापन किया, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने ये संबंध तत्व को कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, उनने संबंध तत्व को स्थापन किया। अविधय तत्व को, अविधय तत्व को श्री भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज ने विशेष करके ग्रंथ माध्यम में उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरे दूसरे ग्रंथों को उन्होंने प्रचार करते हुए उन्होंने संबंध तत्व को जगत में स्थापन किया। लेकिन हमारा जो प्रयोजन तत्व है, जीवन का जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन तत्व है, ये चीज को किसने जगत में स्थापन किया, हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ने ये प्रयोजन तत्व को उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया। उनका जो फिलोसफी था, पहले अपना लक्ष्य को, आप पहले अपना लक्ष्य बनाओ, तुम क्या चाहते हो, हैं लक्ष्य बनाकर फिर साधन शुरू करो।
अगर तुम्हारी लक्ष्य ही कुछ बना नहीं हुआ होगा फिर आप साधन तो गड़बड़ी होगा। इसलिए महाराज कहते थे भले ही हम जीवन में हाँ कभी हम वो ब्रज प्रेम को प्राप्त करेंगे लेकिन पहले ये चीज को पहले अपना लक्ष्य में सिद्धांत में लक्ष्य को पहले स्थिर कर दो। इसलिए कोई कोई व्यक्ति कहते हैं अरे नारायण महाराज तो रस तत्व कहते हैं नहीं देखो इन्होंने जो बताया इन्होंने गुरु वर्गो का विचार कोई बताया महाप्रभु तो इसीलिए आए वो अनर्पित चरिंचिरात करुण या वतीर्ण कर लो वो अनर्पित जो चरिंचित प्रेम है उसको ही महाप्रभु देने के लिए आए फिर उसको फिर रूप गोस्वामी ने उसको फिर उसी चीज को उन्होंने व्याख्या किया भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि दूसरे ग्रंथ में रघुनाथ दास गोस्वामी भी वही चीज को दिखाए सबके सब बिलाप कुष्माजलि आदि ग्रंथ में जीव गोस्वामी वही चीज को दिखाए फिर हमारे नरोत्तम श्यामानंद प्रभु वही फिर वो चीज को भक्तिमन ठाकुर प्रभुपाद आकर के प्रभुपाद भी खुद कहते हैं मैंने जो चीज को देने के लिए आया था वो दुर्लभ वस्तु मैं तो जंगल काटते काटते हमारा समय चला गया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं रूप गोस्वामी के चरण की एक धूल बनना ही हमारे जीवन का केवल ये आकांक्षा वस्तु प्रभुपाद यही बात कहते हैं और नयन मणि मंजर रूप में यही चीज को उन्होंने प्रदान किया और बाद में हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी उन्होंने विनोद बिहारी अष्टक और विनोद बिहारी विग्रह को स्थापन करते हुए कैसे श्री राधा रानी की चिंता करते करते राधा चिंता निवेशन जस्य कांति विलोकिता कैसे श्री श्याम सुंदर राधा रानी की चिंतन करते 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 उन्होंने कैसे गौर रंग को धारण किया उन्होंने भी यही चीज को स्थापन किया फिर हमारे महाराज तो फिर उसी चीज को ही जगत में स्थापन करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर ये चीज तो दुर्लभ वस्तु है लेकिन अगर ये चीज को हम नहीं बोलेंगे धीरे 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 लुप्त तो हो जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं कहते कौवा क्या खाता है नीम फल खाता है लेकिन कोए कहते आम का जो मधु है वो मधु का आस्वादन करते हैं। इसलिए ऊंट क्या खाता है ऊंट बबुल का पेड़ खाता है जिसमें कांटा कांटा है इसलिए लेकिन कोयल तो आम्र मकलू को पान करता है मधु को पान करता है। उसी तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो रसिक व्यक्ति होएंगे रसिक व्यक्ति होएंगे यो रस को वो रस को आस्वादन करेंगे इसलिए इनका नाम नारायण नर मतलब रस अयन मतलब सारे रस का जो आश्रय है। इसलिए इनकी कथा में बड़े रसी कथा बड़ा रस युक्त कथा है। अगर कहीं किसी गौड़ीय मठ में ये अभी भी किसी गौड़ीय मठ में जाओ हरिकथा सुनने के लिए ना अगर सब गौड़ीय मठ एक ही बात कहते हैं अगर कथा सुनना है ना श्री नारायण महाराज का भक्तों से कथा सुनना सारे गौड़ीय मठ एक ही बात कहते हैं अगर कोई रसीली कथा सुंदर कोई सिद्धांत युक्त कोई कथा कहते हैं ये नारायण महाराज की कृपा से ही अभी सारे गौड़ीय मठ में ये नारायण महाराज की कृपा से ही सबके सब वास हरिकथा सुंदर सुंदर हरिकथा कहते हैं। इसलिए नारायण तीसरा अर्थ होता है नर मतलब होता है ज्ञान अयन मतलब होता है आश्रय ये कौन है बोले सारे ज्ञान का आश्रय। जब मैं सबसे पहले मथुरा मठ में आया वहां पर देखा जब कोई गुरु वर्ग का तिथि आता है प्रभुपाद का और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कोई गुरु वर्ग का तिथि आता है हमने स्वयं देखा गुरुदेव दिन में चार चार बार दिन में गुरुदेव कथा करते थे तीन तीन चार चार बार कथा करते थे सवेरे एक बार कथा करेंगे फिर 10 बजे बैठ करके पुष्पांजलि देकर कथा करेंगे शाम को फिर 4 बजे फिर उसको बाद में आरती को बाद में फिर गुरुदेव बैठते बैठ करके फिर कथा करते हैं। मैंने देखा एक विषय के ऊपर में इतने गंभीर विवेचना गुरुदेव करते थे इसलिए जो केवल गुरुदेव के पास में केवल आ गए केवल उनकी कथा को ध्यान से केवल सुन लो वो क्या बोलते हैं पास वो सबके सब बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हो गए बड़े बड़े विद्वान बनेंगे। इसलिए सचमुच से इनका जो नाम है इनके नाम में ही इनके सारे काम विद्यमान है नाम। इसलिए उसी समय में जितने ब्रजवासी लोग मिल करके इनको विद्वत था
और इनकी साधन इनकी भजन, इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं आचार करे ने के ना करे प्रचार, प्रचार करे ने के ना करे आचार, आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य तुम सर्व गुरु में जगत राज। आचार्य किसको कहते हैं? जगत में ऐसे कुछ लोग है जो आचरण तो करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रचार तो करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते हैं। लेकिन जो आचार्य है उनका क्या गुण है? मतलब जो स्वयं अपना जीवन में आचरण करते हैं और फिर इस चीज को प्रचार करते हैं। इसलिए हमारी महाराज के अंदर में जो दो चीज है परिपूर्ण रूप में देखने को मिलता है, जैसे उनके आचरणशील वैसे उनके प्रचार है। इसलिए गुरुदेव का जो साधन है 2:30-3 बजे अंदर में उठ जाते हैं, उठ करके बिस्तर में बैठ करके अगर कोई सोया हुआ होगा डिस्टर्ब नहीं करता, हाथ मुंह धो लेते, धो कर एक जगह पर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुकार पुकार करके हैं, हे राधे हे कृष्ण कब हमारे ऊपर कृपा करके, एकदम उद्गार को साथ में गुरुदेव ने हैं। इसलिए एक दिन गुरुदेव खुद बोलते थे 6 गोस्वामियों ने जैसे साधन भजन किया है, जैसे संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसान कृतो निद्रा आहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्महितो वंदे रूप सनातन रघुविभो श्री जीव गोपाल। जैसे 6 गोस्वामी हैं, जैसे संख्या पूर्वक नाम नति गान जैसे करते थे गुरुदेव, एक दिन स्वयं बोलते थे जैसे हे राधे ब्रज देव के चल लेते हे नंद सुनकुत, जैसे 6 गोस्वामी कभी राधा कुंड कभी श्याम कुंड कभी गिरिराज गोवर्धन में हे राधा रानी आप कहाँ हो, हे ललित आप कहाँ हो, हे विशाख तुम कहाँ हो, जैसे हाव उठास करते हुए भजन करते थे गुरुदेव खुद बोलते थे मैं भी गिरिराज में मैं भी रह करके ऐसे ही रोज रोज गिरिराज परिक्रमा करना, 2-2 लाख हरिनाम करना, रोज गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करना। गुरुदेव खुद बोलते मैंने भी एक गोस्वामी लोगों जैसे मैंने साधन भजन करने के लिए मैंने कोशिश की। इसलिए गुरुदेव प्रसाद पाने से पहले नाश्ता करने से पहले गुरुदेव 1 लाख हरिनाम पूरी करके तभी गुरुदेव कोई नाश्ता ग्रहण करते फिर सारा दिन और 1 लाख। इसलिए गुरुदेव का जो साधन है 24 घंटा हम लोग गुरु जी को पास में रहकर देखा हैं, जैसे शांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कटा नाम गाने सदा रुचि, जैसे ये प्रेमांकुर का जैसे लक्षण बताए भाव का अंकुर का, जो श्री रूप गोस्वामी ने जो जो बात उन लक्षण बताए हैं इनके अंदर में ये सारे लक्षण हैं, सारे लक्षण गुरु जी के अंदर में स्पष्ट रूप में गुरु जी के अंदर में सारे लक्षण मिलता था गुरु जी के अंदर। इसलिए इनकी साधन इतने परफेक्ट साधन था, उसको बावजूद भी गुरुदेव ने जो ग्रंथ को उन्होंने जो रचना की है हैं, ये बहुत बड़ी दान गुरुदेव का, बहुत बड़ी दान हिंदी भाषियों को विशेष करके इन्हीं के लिए हमारे जो गोस्वामी ग्रंथ का गुरुदेव ने जो ट्रांसलेशन किया है, ये अभी तक ये काम हिंदी भाषियों के लिए किसी ने भी नहीं किया। इन्होंने जो ग्रंथों को उन्होंने रचना की, दिन रात मेहनत करके इतने साधन भजन करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों को रचना किया। इसलिए हम कहते हैं 3 मृदंग है, हैं? कहते एक मृदंग है जीव, एक मृदंग साधारण मृदंग, दूसरा मृदंग है बृहत मृदंग, तीसरा मृदंग है जीवंत मृदंग। कहते ये तीनों मृदंग में गुरुदेव परफेक्ट थे। साधारण मृदंग में गुरुदेव भी मृदंग भजन जानते थे और गुरुदेव बड़े सुंदर भजन भी गाते थे। जब मैंने पहले आया सारी गौड़ीय मठ में देखा जो नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम जसत कुंडलम ऐसे ऐसे गाते, लेकिन मैं पहला बार मथुरा में आकर के देखा गुरुदेव, क्या गुरुदेव की कला। जब गुरुदेव भजन गाते थे हैं, उनका गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान कैसे हुआ, गोस्वामी महाराज कहा करते थे भजन सीखना है अगर चाहो श्री गौर नारायण के पास में नारायण महाराज से भजन सीखो। क्या सुंदर उन्होंने
गा गा करके नामामीश्वरम सचिदानंद रूपम लासत कुंडलम गोकुल प्राजमानम यशोदावियालोका लाभधावमानम परामृष्टमात्या तथा द्रुत गोप्या। गुरुदेव क्या सुंदर भजन गाते थे, हम जब देखा बाबा क्या सुंदर, गुरुदेव का गलती कंठ की आवाज कैसे कोयल जैसे कूदती है, इतने सुंदर गुरुदेव की गला की आवाज थी। फिर कहते हैं कि एक जीवंत मृदंग, फिर होता है बृहत मृदंग। बृहत मृदंग कहते ये ग्रंथ को, उन्होंने ग्रंथ में कितने उन्होंने ग्रंथ को रचना की, कितने उन्होंने ग्रंथ को उन्होंने ट्रांसलेशन किया। जैव धर्म ग्रंथ जैसे गुरुदेव खुद बोलते थे, मैंने ये ग्रंथ को 60 बार पढ़ करके फिर जाकर के इसका मैंने ट्रांसलेशन हमने किया है जैव धर्म ग्रंथ को। और जितने रास पंचाध्याय वेणु गीत हैं, और उन्होंने गीत गोविंद अद्भुत अद्भुत ग्रंथ को उन्होंने उन्होंने रस ग्रंथ को विशेष करके उन्होंने रस ग्रंथ को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया। उज्जवल निर्मणि जैसे ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया गुरुदेव ने, अद्भुत ग्रंथ कितने ग्रंथ गुरुदेव ने, गौड़ीय कंठार और भजन रहस्य और भक्ति विनोद ठाकुर का महाप्रभु का जितने महाप्रभु का शिक्षा उज्जवल निर्मणि किरण कणा बिंदु सिंधु गुरुदेव कितने 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 ग्रंथों गुरुदेव ने प्रकाशित किया। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, जगत में सबसे बड़ा दानी वह है बोले तब कथा अमृतम ताजी बनाम कभी वीरी प्रीतम काल मसापम श्रावण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भोरिदा जना। जगत में हुए सबसे बड़े दानी तो कृष्ण कथा को दान करते, लेकिन मेरे गुरुदेव कहते थे वो अगर उतना बड़ा दानी जो कृष्ण कथा को दान करते हैं, लेकिन उसी कथा को जो चिरस्थाई रूप में है उसको ग्रंथ रूप में रख करके जो जाते हैं तो उससे भी वो बड़ा दानी। इसलिए उन्होंने ग्रंथ को उन्होंने बृहत मृदंग रूप में जहां एक कोने में ग्रंथ पहुंच गया पूरा के पूरा उनको भी कल्याण कर देते। इसलिए बृहत मृदंग ऊपर गुरु जी की बड़ा दान है। फिर जीवंत मृदंग रूप में साक्षात रूप में गुरुदेव संपूर्ण पृथ्वी में जा करके उन्होंने 36 बार पूरा पृथ्वी को उन्होंने भ्रमण किया और सर्वत्र हरि भक्ति को जगत में गुरुदेव ने प्रचार किया। इसलिए गुरुदेव का आचरण जैसे था, उनकी आचरण परफेक्ट होने का नाते उनका जो प्रचार है प्रचार भी उतना बढ़िया हुआ। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं आचरण विहीन जो प्रचार है वो कर्मांक का अंतर्गत है। इसलिए जो जिसका आचरण जितना बढ़िया होगा उसको कथा भी उतना प्रचार भी उतना बढ़िया होगा। इसलिए दोनों चीज में गुरुदेव को देखते हैं एकदम परफेक्ट है। इसलिए इनका नाम जो नारायण नाम है सचमुच से नारायण का नाम सार्थकता नारायण का नाम है, है? इसलिए गुरुदेव ने उसी समय गुरुदेव को जो ब्रजवासी लोग उनको जुगाचार्य की उपाधि दी। ये जो ब्रजवासी लोग है ना कहते कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण तो जगत का गुरु लेकिन उनका गुरु कौन है, बोले ब्रजवासी उनका भी गुरु कृष्ण का भी गुरु है। अरे वो तो कृष्ण हमारे झूठन खाते हैं, ब्रजवासी कहते कृष्ण तो हमारे झूठन खाते हैं, कृष्ण तो हमारे दोस्त है, लेकिन ये लोग सहज में किसको सम्मान नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये लोग भी मिलकर के श्री गुरुपाद पद्म को कहां पर श्री उच्चा गांव ललिता गांव बलदेव प्रभु का स्थान में ये लोग सारे ब्रजवासी मिलकर के गुरुदेव को जुगाचार्य का जो उपाधि जो इसी जू का जो विशेष जो आचार्य का जो काम किया है, इसलिए ये लोग मिलकर के गुरुदेव को जुगाचार्य को जो उपाधि दिया ये कोई साधारण बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात गुरुदेव को जो युगाचार्य की उपाधि मिली है। इसलिए गुरुदेव के अंदर में और एक विशेष चीज है
गुरुदेव के अंदर में समझौता नाम का कोई चीज नहीं। समझौता मतलब ठीक है हो गया जो बोल दिया बोल दिया, नहीं गुरुदेव टूट पड़ते थे, गुरुदेव टूट पड़ते थे। अगर कहीं है कहीं कथा में अगर कोई ने मायावादी को स्थापन कर दिया, एक बार वृंदावन में श्री गोपीनाथ मठ में विग्रह स्थापन हो रहा था, कुछ कुछ उन्होंने विद्वान को बुलाया, उन्होंने भगवान का जो स्वरूप को हाँ वो मायावादी तो लोग थे, अनित्य रूप में कोई बोल रहे थे, जैसे वो लोग पंचोपासक होते हैं है? जब तक सिद्धि नहीं हो जाता तब तक उनको स्वरूप को मानते, उसको बाद में फिर फेंक देते। किसी ने ये बात थोड़ी सी मायावाद को स्थापन कर दिया, गुरुदेव जैसे शेर जैसे टूट पड़ते हैं ऐसे गुरुदेव ने वहां पर टूट पड़े और उसको इतने उसको शास्त्र सिद्धांत को तरह अल्प बत ही तत् प्राधान्यत्वात् उन्होंने ये सूत्र को लेकर के वेदांत से उन्होंने प्राधान्यता तो क्या है अरूप बत अरूप नहीं वहां पर उनको अरूप जैसे बताया, लेकिन प्राधान्य किसका है भगवान स्वरूप का प्राधान्य है जो सच्चिदानंद रूपाय। उन्होंने ऐसे खंडन किया ना वो व्यक्ति जो मायावादी व्यक्ति था वो किधर जाएगा मुंह नीचा करके रास्ता उसको नहीं मिला, वो भाग गया वहां से हैं। जैसे जब गोकुल में जाते थे वहां के लोग क्या बोलते, कृष्ण जन्म तो मथुरा में, वहां पर भी उन्होंने पंडों को साथ में हैं, ये पंडों को जितना बड़ा कठिन है लेकिन उनको साथ में ही कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है कृष्ण, उन्होंने ये चीज को उन्होंने इतने श्लोक को देख करके भागवत से इतने श्लोक को देख करके कैसे ब्रज गोपियां जयती जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सास्वदत्र ही, वहां पर जयती तधिकम जन्मना ब्रज कृष्ण ब्रज में जन्म हुए। स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मा जजाता लाद मामना, और नंद के लाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं पशुपांग जाय पशुप जो पशु को चला चराते थे उनकी अंग से जो प्रकट प्रकट हुए। गर्गाचार्य कहते हैं कुचित जाता तवात्म जय तुम्हारी बेटा भाई वसुदेव का क्या श्लोक गुरुदेव उद्धृत करके कैसे कैसे गुरुदेव कैसे कैसे स्थापन करते थे। इसलिए हमने देखा गुरु जी के अंदर में कोई समझौता नहीं था। एक समय किसी ने जो आंख का हॉस्पिटल किसी ने खोल दिया तो गुरुदेव को मेन रूप में उन्होंने बुलाया, गुरुदेव वहां पर भी उनके सामने बोला अच्छा किया तुमने आंख का हॉस्पिटल खोल दिया बहुत अच्छा किया, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है आंख तो भगवान ये आंख देव की इसलिए ये आंख को दिए ठाकुर जी तथा अखनो फल तादृश दर्शन, आंख का फल है जब हम भगवान को दर्शन करें। अगर आपने आंख को हॉस्पिटल खोल दिया ऑपरेशन कर दिया दिन भर उल्टा पुल्टा टीवी देखे गंदी गंदी पिक्चर देखे, जैसे आप तो एक तरफ पुण्य किए हो और दूसरे तरफ में अपने पाप भी करोगे, अगर इन्हीं आंखों से अगर प्रभु का दर्शन करेंगे तो तब ठीक है, लेकिन अगर उल्टा पुल्टा दर्शन कर उसका पाप भी तुम्हें लगेगा। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे नृग महाराज ने नृग महाराज जैसे गैया को दान दिया लेकिन भूल से कैसे गैया चली गई, दान दिया संकल्प करके फिर भूल से कैसे आकर के गैया से मिल गया तो फिर दो बार संकल्प कर दे दिया फिर उनको गिरगिट बनना पड़ा, गुरुदेव सीधा बोल दिए वहां पर इसलिए तुमने आग का हॉस्पिटल तो खोला है लेकिन ध्यान देना इन्हीं आंखों को ऑपरेशन करके कोई उल्टा पुल्टा गंदी चीज को देख लिया तो सारे पाप तुमको लेना पड़ेगा। इसलिए हमने देखा गुरुदेव हाँ समझौता नाम का किसी चीज को नहीं था, जो सही गुरुदेव एकदम सही के सही बात बोल देते थे। ये गुरु जी के अंदर में ये विशेष विशेष ये गुरु जी का अंदर की बात था। और गुरुदेव ने विशेष करके जो ब्रजमंडल परिक्रमा और जो नवद्वीप परिक्रमा है जो नवद्वीप परिक्रमा यद्यपि वहां पर नवद्वीप परिक्रमा में दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ से इस्कॉन से वहां पर परिक्रमा करते हैं लेकिन गुरुदेव जब पहला बार उन्होंने परिक्रमा किए इतने लोग गुरुदेव परिक्रमा में इतने लोग परिक्रमा में आए सारे गौड़ीय मठ मिलकर के जितना लोग होंगे गुरुदेव का जो प्रचार में परिक्रमा में उससे ज्यादा लोग जब परिक्रमा जाती है कहती किसके परिक्रमा नारायण महाराज बाबा रे इतने लोग गुरुदेव और हर साल नवद्वीप परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा गौड़ीय मठ से तीन साल बाद में कोई एक बार करते हैं लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद से हर साल ये ब्रजमंडल परिक्रमा को गुरुदेव
प्रारंभ किया और अभी भी गुरु जी की कृपा से ये परिक्रमा, ये कोरोना का समय में भी ये परिक्रमा हमारी चल रही है। इसलिए ये गुरुदेव का विशेष वैशिष्ट और एक विशेष वैशिष्ट है। हम लोग अपने आप को क्या परिचय देते हैं, हम सब के सब श्री रूपानुग गौरी, हम यही परिचय देते हैं। इसलिए जितने गोस्वामी लोग हुए ये सब के सब श्री रूपानुगत्व को ही प्रार्थना किया। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हाय वे आकोती कबे हम हो जब से युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे राहु कुमार आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं, सुनियाची साधु मुखे बोले सर्वजन श्री रूप कृपा मिले जुगल चरण, इसी कृपा से जुगल चरण की सेवा प्राप्त होती है रूप गोस्वामी की कृपा से। इसलिए गुरुदेव ने विशेष करके ये रूपानुगत को गुरुदेव विशेष रूप का स्थापन किया। इसलिए श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में इसलिए उनका नाम रखा रूप सनातन गौड़िया मठ नाम रखा, और वहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए 3 दिन वहां प्रोग्राम होता था और केवल एक विषय के ऊपर श्री रूप गोस्वामी एक विषय के ऊपर में सब अलग अलग जितने बड़े बड़े पंडित होते थे वो सब के सब एक विषय के ऊपर में क्या रूप गोस्वामी की, जितने लोग सुनने के लिए आते हैं बोले हरि कथा तो बहुत जगह पर होता है, श्री नारायण महाराज के मठ में रूपानुगत्व को लेकर के हम लोग रूपानुगत्व को प्रार्थना करते किस लिए, क्या कारण है और क्या रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव की विशेष वैशिष्टता है, ये श्री महाराज के मठ में जैसे होता है महाराज जैसे किया है ऐसे और कहीं भी ऐसे नहीं होता है। इसलिए गुरु जी का जो महिमा है ये अनंत महिमा अनंत कथा गुरु जी की है। इसलिए हमने मेरे से और तो बहुत बहुत कथा है लेकिन टाइम हो गया सब शायद सोने के लिए तड़फड़ाते होंगे रात 10 बज गया है। नहीं महाराज जी कोई कोई नहीं सोएगा, आप बोलते रहोगे तो पूरी रात भी बैठे रहेंगे सब लोग, पता नहीं कोई सो जाएगा तो बोलेंगे महाराज के लिए सो। हरे कृष्णा प्रभु खिलते रहिए, ठीक है 5 मिनट बोल देता। इसलिए हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु महाराज जी, महाराज जी दंडवत प्रणाम, महाराज जी दंडवत प्रणाम, आप बहुत अच्छा महाराज जी, महाराज जी दंड महाराज जी। अतुल प्रभु आप अनम्यूट कर दो फिर महाराज जी स्टार्ट कर लेंगे। हाँ क्या कुंती कहती है कृष्णा, जिसको अंदर में एक गुण एक चार गुण में एक कोई गुण आ जाए ना वो व्यक्ति कभी भगवान की भजन नहीं करेगा, लेकिन हमारी गुरु जी के अंदर में हम देखते हैं ये चार के चार गुण परिपूर्ण रूप में विद्यमान। वो चार गुण क्या है बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मत अपमान। कहते प्रभु जिसको कोई उच्च कुल में जन्म हो ग्रहण कर लिया हाँ, इसलिए श्री जिसको तुलसीदास जी कहते हैं प्रभुता पाई काम अदनाई, जगत में से कौन सा व्यक्ति हो जिसके अंदर में थोड़ी सी प्रभुता मतलब थोड़ी महिमा गुण आ जाए और इसके अंदर में अभिमान नहीं आए, इस जगत में से कौन सा व्यक्ति हो सकते हैं, जरूर उसके अंदर अभिमान आएगा। लेकिन हमारे गुरु जी के अंदर में देखो जन्म गुरुदेव का जन्म हुए, साधारण जगह पर गुरुदेव का जन्म नहीं हुआ, गुरुदेव ने बक्सर में, बक्सर कौन सा स्थान है जहां पर श्री विश्वामित्र जी की यज्ञा स्थली, जहां पर विश्वामित्र जी साधन भजन किए और जहां पर भगवान राम जहां पर वनवास जहां पर बिताए, इसलिए वहां पर श्री महाराज का जन्म वहीं पर हमारे गुरु जी ने वहीं पर जन्म ग्रहण किया, पवित्र स्थान पर उन्होंने जन्म, और जन्म कौन सा कुल में जन्म लिए बोले वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, कहते ब्राह्मण वंश में, और साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण भी छोटे मोटे होते हैं छोटे जाति, ब्राह्मण के अंदर भी ऊंचा नीचा होता है, कहते श्रेष्ठ कहते श्री तिवारी वंश में इन्होंने तिवारी श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ है। इसलिए इनका जो जन्म है वो साधारण घर में इनकी जन्म हुई नहीं,
जन्म ऐश्वर्य, कहते ऐश्वर्य मतलब होता पैसा। वो कौन सा काम करते थे? कहते पुलिस ऑफिसर का काम करते। आपको पता होगा अगर भारत में कोई पुलिस ऑफिसर हो जाए ना, वो नहीं चाहने पर भी गड्डी के गड्डी पैसा उसको घर में फेंक करके लोग चले जाते हैं, हैं? उसको दे करके चले जाते हैं। मतलब गुरुदेव उच्च पैसा वाला, पैसा में भी घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसा की पैसा घर में परिपूर्ण रूप में थी। और विशेष करके गुरुदेव हमने देखा है श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे 26 साल उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उनने विष्णु प्रिया जैसे पत्नी को त्याग दे करके, हैं, माँ को त्याग दे करके, परिवार को त्याग दे करके जैसे संन्यास ग्रहण किया, उसी तरह गुरु जी के अंदर में अभी देखते हैं गुरुदेव ठीक वैसे। अब लोग तो कोई देखे नहीं, मैंने गुरुदेव का पत्नी को हमने देखा है, क्या सुंदरी उनको थी, हैं? बड़े उम्र में जब एक बार आई थी गई मथुरा, हमने देखा उनका शरीर का रंग कैसे एकदम जैसे कहते ना तप्त कांचन गौरांगी, हैं? इसलिए जैसे श्री राधा रानी का कलर गोरी, बड़ी सुंदरी उनकी पत्नी थी। जैसे महाप्रभु विष्णु प्रिया को इतने कम उम्र में त्याग देकर के आए, हमारे गुरुदेव भी इतने सुंदरी पत्नी की और दो उनकी बच्ची थी, आपको पता होगा। और 26 साल उम्र में गुरु आए तो मतलब उस समय बच्चे कितने कम उम्र के होंगे, उनका मोह त्याग करना इतने कोई साधारण बात नहीं। इसलिए गुरुदेव जिस समय मंदिर में आए भजन करने के लिए, उनका पूरा गांव उम्र बड़ा लेने के लिए, उनका गांव उम्र बड़ी इनकी, लेकिन गुरुदेव को लेकर गए, लेकिन गुरुदेव जाकर के सारा रात उन्होंने पत्नी को ये जीवन किया है, भगवान क्यों ये जीवन दिया, ये जीवन पाकर के जीवन का कर्तव्य क्या, उन्हें सारा रात उन्होंने हरि कथा, तुलसीदास गोस्वामी का जीवन जैसे उन्होंने अपना पत्नी को सारा रात उन्होंने हरि कथा बोले बोल करके फिर सवेरे जा करके एक दिन के लिए गए, और फिर सवेरे उन्होंने फिर छोड़ करके फिर गुरुदेव फिर मंदिर में आ गए। इसलिए कहते इनका जो ऐश्वर्य है पुलिस अफिसर में थे, और गुरुदेव एक दिन स्वयं अपना जीवन का कथा स्वयं सुना रहे थे। गुरुदेव कैसे सत्संग के बड़े प्यारे थे, गुरुदेव कहीं अगर सत्संग होता था जरूर सत्संग सुनने जाते थे। एक दिन कोई साधु कथा सुन कराने आए, करने गुरुदेव चले गए कथा सुनने के लिए। इतने में जो उनका जो बड़ा अफिसर था, वो बड़ा अफिसर ने वो चेकिंग करने के लिए आए ये लोग ठीक ठीक से काम कर रहे कि नहीं, लेकिन गुरुदेव तो गए हुए थे सत्संग सुनने के लिए। इतने में बड़ा अफिसर ने देखा दूर से एक व्यक्ति बड़े सिंसियर रूप में ड्यूटी कर रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है एकदम सिंसियर रूप में। बोले भैया ये तिवारी तो बड़े सिंसियर व्यक्ति, ये तो बहुत अच्छे तरह से ये ड्यूटी दे रहा है, ये तो इसका पोस्ट है पुलिस और उसको ऊंचा पोस्ट दे देनी चाहिए। पुलिस दूर से देख करके चला गया बड़ा अफिसर। अभी गुरुदेव जब सत्संग से आए, उनको पता चला उनका जो बड़ा अफिसर वो चेक करने के लिए आया था, लेकिन गुरुदेव तो थे कथा, गुरुदेव तो ड्यूटी में थे ही नहीं। गुरुदेव ने सोचा शायद मेरी तो नौकरी चली जाएगी, तो दूसरे दिन बड़े डरते हुए गए। जब डरते हुए गए बोले मैं आप आए थे, मैंने सुना आप चेकिंग करने के लिए, मैं था नहीं कहीं सत्संग में गया। तो बोले कौन सा सत्संग में, मैंने तो कल देखा दूर से तुम तो बड़े सिंसियर रूप में बहुत अच्छे तरह से तुम ड्यूटी दे रहा था, इसलिए मैं खुश हूं तेरे ऊपर में, तुम्हारे जो पोस्ट है ना और ऊंचा पोस्ट तुमको दे देता। गुरुदेव बोले मैं तो था नहीं, पर किसने ड्यूटी दिया। गुरुदेव तो सत्संग वो जानते हैं, और कृष्ण स्वयं इनके रूप धारण करते हुए इन्होंने स्वयं ड्यूटी दिया। गुरुदेव स्वयं ये बात को, गुरुदेव स्वयं ये कथा सुनाया करते थे। इसलिए भगवान के लिए अगर एक कदम बढ़े ठाकुर जी उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोले ऐश्वर्य में पुलिस अफिसर थे, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्य जन्म श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान। आप लोग ने तो हरि कथा सुने, आप लोग सुने होंगे गुरुदेव का हरि कथा, क्या अद्भुत। जब जब गुरुदेव कथा सुनाते थे, कभी किसी कथा को कभी दोहरा करके नहीं, हर समय गुरुदेव नई 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 कथा सुनाया करते थे, शास्त्र की नई नई विचार। कभी मथुरा में केवल एक लाइन को लेकर के, पता नहीं कितने कितने दिन तक गुरुदेव एक लाइन को लेकर के, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से एक लाइन को लेकर गुरुदेव कितने दिन तक व्याख्या करते थे, गहरा से गहरा अर्थों को गुरुदेव बताया करते थे।
इसलिए स्त्री स्त्री मतलब होता है सुंदरता। आप लोग गुरुदेव को देखे होंगे, मैं तो जब सबसे पहले मथुरा में जब आया वो ठंडा का समय था, जब ठंडा का समय था मैंने आकर गुरुदेव जी को देखा, मेरे को तो लगा ये कोई अंग्रेजी है, ये तो कोई अंग्रेजी हो, नहीं क्या ये भारतीय है, क्योंकि उनका जो दो गाल इतने लाल लाल रंग का था, मैंने कहा तो अंग्रेजी कोई है। आप लोग तो देखे होंगे गुरुदेव का जो स्वरूप कितना एकदम पूरा, जैसे तप्त कांचन गौरायण कहते हैं, गुरुदेव का रंग एकदम पूरा भारतीय नहीं लगते थे, और उन आंख में जो पुतला थी इनकी एकदम नील रंग की, साधारण लोग की नील रंग नहीं होता है, हैं गुरुदेव आंख का जो पुतला वो नील रंग का था, इसलिए गुरुदेव हैं, इसलिए गुरुदेव जो चार जो इनके अंदर में जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये चार गुण में परिपूर्ण होते हुए भी इन्होंने जो भगवान की भजन करते थे, लेकिन ये साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है, क्योंकि ये राधा रानी की ये निजजन थे, महाप्रभु का ये निजजन थे, इसीलिए इनको पक्ष में भजन हुआ है, नहीं तो साधारण व्यक्ति ये नहीं थे, हैं साधारण। जब गुरुदेव विचार बोलते थे महाप्रभु की संजोगिनी वियोगिनी वृषभान नंदिनी कृष्ण का स्वरूप का वर्णन हमने तो कभी सुना ही नहीं, जब हम पहले पहले आए मंदिर में गुरुदेव के जो मुंह से ये जो प्रेम संपूर्ण चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ, हम इसको कथा सुनकर सोचते थे गुरुदेव को सब कथा कहाँ से मिलता है, हमने कभी सुना ही नहीं, सब नई नई कथा कहाँ से गुरुदेव, ये सब नई नई कथा कहाँ से गुरुदेव बोल रहे, इसलिए गुरुदेव कथा को अंदर में किया आकर्षण, किया आकर्षण था। एक दिन ऐसे हुआ सबके सब जैसे इस्कॉन और दूसरे दूसरे गुरुदेव की कथा सुन के सबके सब छोड़ करके सबके सब कथा आकर के मथुरा मठ में सबके सब आकर के वहां पर सबके सब कथा सुनना शुरू कर दिया, इसलिए गुरुदेव के अंदर में अनंत अनंत गुण गुरुदेव के अंदर में, इसलिए कहते ना पूरा समुद्र का पानी को साई बना दो, पृथ्वी को बना दो कागज, अगर पेन बना दो जितने हैं, पेड़ को कलम कलम को कल्प पेन बना दो जैसे आप खत्म नहीं कर सकते हो, हाँ लिख नहीं सकते, तो उसी तरह गुरु जी की महिमा अनंत गुरु जी की महिमा है, जिसको हम उसको बोल करके भी हम समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए गुरुदेव हम सबको ऊपर में गुरुदेव आशीर्वाद करें, हैं जैसे हम लोग गुरु वर्गों की अनुगत में रहते हुए किसी ना किसी रूप में एक जीवन को भगवान की भजन में गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर भगवान की भजन कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम यही बोल करके गुरु जी के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, गुरुदेव हम सबको पर आशीर्वाद करें। वंचाकल्प दुर्भेश कृपा सिंधु वैवच पतितानांग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम महाराज जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दीदी आप सबको म्यूट कर दो, क्या बोल रहे अभी 10 मिनट और हम सुनेंगे, हमारे साथ अभी विशाखा दीदी हैं, विशाखा दीदी को आप अनम्यूट कर दीजिए, विशाखा दीदी कुछ गुरुदेव के विषय में हमें श्रवण करवाएंगे 10 मिनट और। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उन्हीं से अहेतु की कृपा मांगती हूँ उन्हीं के बारे में बोलने के लिए। उसके बाद पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी को दंडवत प्रणाम, सुंदर गोपाल प्रभु जी को प्रणाम और आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। जैसा कि सुंदर गोपाल प्रभु जी ने पहले ही बताया कि प्रत्येक शिष्य को यही लगता है कि मेरे गुरु जी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा ही सबसे पहले अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जब गुरु जी से मिलती थी तो गुरु जी मुझसे यही पूछते थे, बेटी तू भी आ गई, बेटी तुम भी आ गई। तो मेरे को हमेशा अंदर से ये लगता था कि गुरुजी मुझे विशाखा नहीं बोलते, गुरुजी को मेरा नाम भी पता है कि नहीं,
गुरु जी मुझे जानते भी हैं कि नहीं, मैं यही सोचती रहती थी क्योंकि गुरु जी से मेरी ज्यादा बात होती नहीं थी। तो जब मेरी और मेरी ननंद की दीक्षा एक साथ हुई, हम दोनों बैठ, हम मतलब बहुत सारे लोग थे उसमें, हमारी जब दीक्षा हो रही थी तो मेरी ननंद ने महाराज जी से, महाराज जी ने पूछा किसी का कोई प्रश्न है, तो मेरी ननंद ने बोला कि महाराज जी हमारा सारा परिवार आपसे दीक्षित है, तो मेरे पापा भी माला करते हैं पर आपसे हरिनाम नहीं लिया, उन पे आप कृपा करो वो भी आपसे दीक्षा ले लें। तो गुरु जी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और बोला कि वो तुम्हारा परिवार नहीं है, मेरी ननंद को बोला वो तुम्हारा परिवार नहीं है, वो इसका परिवार है, उसकी चिंता ये करेगी। मतलब वो मेरे ससुर के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरी ननंद को बोला कि वो परिवार अब इसका है, ये उस परिवार की चिंता करेगी। उस दिन से मुझे समझ आया कि गुरुजी को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी मुझे नहीं जानते। गुरुजी तो हमारे पिछले पिछले कितने जन्मों को भी जानते हैं, ये गुरुजी ने अनुभूति कराई। कि मैं अपने को बताना चाह रही थी, गुरुजी तो मेरे परिवार को, मेरे ससुर को, मेरे घर को भी, सबको जानते हैं। ऐसा मेरा गुरुजी के साथ एक अनुभूति हुई। और फिर एक बार एक और अनुभूति, मैं और मेरे पति गुरुजी से मिलने गए थे, तो गुरुजी ने मेरे पति की तरफ देखते हुए बोला ये मेरी बेटी है, इसका ध्यान रखना। इस तरह से गुरुजी ने सभी शिष्यों का चित्त द्रवीभूत किया हुआ है, ये सभी के एक्सपीरियंस है हमारे। गुरुजी की यही विशेषता है कि वो अगर कुछ करने के लिए अपने शिष्यों को बोलते थे कि तुम ऐसा करो, उससे पहले वो उनका चित्त हरण कर लेते थे। क्योंकि हम किसी को भी कुछ कहेंगे तो पहले हमें उसे प्यार देना पड़ेगा, तभी वो हमारी बात सुनेंगे। ये बात मैंने गुरुजी से सीखी। गुरुजी ने कितना स्नेह दिया हमें, कितना प्रेम दिया, तभी हम अभी तक टिके हुए हैं यहाँ, हरि नाम कर पा रहे हैं, एक माला भी कर पा रहे हैं, वो केवल और केवल गुरुजी के प्रेम की वजह से है। इस तरह से सभी का, सभी के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के साथ। और फिर अभी आप सबने सुना पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी ने जो बताया कि गुरुजी का विशेष विशेष जो गुरुजी ने हमें सिखाया, वो सिखाया रूपानुग बनने के लिए। इससे पहले हमने ये शब्द भी नहीं सुना था, मैंने तो कभी नहीं सुना था रूपानुग क्या होता है। तो गुरुजी ने कितने प्रेम से, कितने आसानी से हमें समझाया रूपानुग बनना है तुम्हें। सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें राधा दासी बनना है ये समझाया, हमें हमारा गोल बताया कि तुम सबको क्या बनना है, राधा दासी। और राधा दासी बनने के लिए किस रास्ते से चलना है, कैसे जाना है, वो बताया। रूप मंजरी के अनुगत्य में तुम्हें जाना है, रूप मंजरी के अनुगत्य में भी तुम राधा जी की सेवा कर सकोगे। गुरुजी ने हम सबको रूप गोस्वामी जी के से मिलवाया। मुझे लगता है गुरु जी का कोई भी ऐसा शिष्य नहीं होगा जो रूप गोस्वामी जी को मिलता। इतना सुनाया रूप गोस्वामी जी के बारे में और रूप मंदिर के बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में, रूप गोस्वामी जी के भजन के बारे में, हम सबको इतना सिखाया, इतना सुनाया कि हम सबको वो अब अपने लगते हैं। गुरु जी ने जैसे अभी श्रीधर महाराज जी ने बताया कि 3 दिन की कथा रखते थे हमारे गुरु जी रूप गोस्वामी जी के बारे में, और वहां पे इतना सुना, सब लोगों से रूप गोस्वामी जी के बारे में ही सुनाते थे और खुद भी इतना कुछ हमें बताया कि रूप गोस्वामी जी क्यों आए इस जगत में। ये हमारे गुरु जी का एक विशेष विशेष योगदान है। रूपानुग होता क्या है, मैंने गुरु जी से बड़े आसान से सरल से भाषा में ये सीख लिया। जैसे रागात्मिक जन होते हैं, रागानुगा तो सब होते हैं,
इसे बहुत ही सरल भाषा में सीखो, जैसे डॉक्टर होते हैं, सभी डॉक्टर होते हैं, पर कुछ लोग जो हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसी तरह से रागानुग होते हैं, रागानुग में भी स्पेशलाइज्ड रूपानुग। जैसे रागानुग क्या होते हैं, रागात्मिक जनों का जो अनुगत्या करे वो रागानुग। अब रागात्मिक जन क्या है, गुरुजी ने इतने साधारण शब्दों में समझा दिया, जिनकी आत्मा में राग है वो रागात्मिक जन, मतलब के जो भगवान से प्रेम करें वो रागात्मिक जन, और उन रागात्मिक जनों के जो अनुगत्य में भजन करना चाहे वो रागानुग। इस तरह से भगवान से प्रेम करने वाले रागानुग, और उनमें भी विशेष स्पेशलाइज्ड जो रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा करना चाहे वो रूपानुग। गुरुजी ने इतने साधारण भाषा में हमें रूपानुग क्या है ये समझाया, ये कहीं और से समझने को नहीं मिल सकता था। ये गुरुजी की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, जो इतने मुश्किल मुश्किल इतने गुह्य बातें जो हमें उन्होंने समझाई। गुरुजी से मिलने से पहले यही समझ आता था मुझे कि भगवान कृष्ण है और कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण सबसे ऊपर है, कृष्ण की ही हमें भक्ति करनी चाहिए। पर गुरुजी ने कैसे बड़ी आसानी से हमें समझा दिया कि कृष्ण की भी कोई गुरु है, वो है गोपियां और वो है राधा रानी। तो हमें अगर कृष्ण की सेवा हम चाहते हैं तो हमें राधा जी की सेवा करनी पड़ेगी, गोपियों के अनुगत्य में हमें ये सब सीखना पड़ेगा कि राधा और कृष्ण जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। कृष्ण केवल और केवल राधा रानी के द्वारा ही प्रसन्न किए जा सकते हैं। तो राधा जी के साथ जब हम कृष्ण जी की सेवा करेंगे, युगल किशोर की जब हम सेवा करेंगे, तभी कृष्ण वास्तविक रूप में प्रसन्न होंगे। अकेले कृष्ण जी के भजने से कुछ नहीं हो सकता। ये कृष्ण ये इतनी सुंदर सुंदर जब मैंने गुरुजी से कथा सुनी, गुरुजी ने सुनाया कि कैसे गोपियां जो हैं कृष्ण जी को बाहर कुंज के बाहर कर देती थी और राधा रानी कहती थी आज उस काले को कुंज में नहीं आने देना तुमने, और तुम ना ये काले केश भी अपने सफेद कर लो क्योंकि मुझे काला रंग देख के भी वो काला याद आ जाएगा, अपनी ये भुएं है ना ये भी सफेद कर लो, ये सब सफेद कर लो ताकि मुझे उस कृष्ण का दर्शन ही ना, मतलब कृष्ण मुझे याद ही ना आए। और कृष्ण कैसे कुंज के बाहर खड़े हुए गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि मुझे अंदर आने दो, मुझे राधा रानी को दर्शन करने दो। ये सब कथाओं से स्वाभाविक ही हमने, मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने कुछ भी एनर्जी या जबरदस्ती नहीं की कि मैं अब कृष्ण जी को नहीं पूछूंगी, अब मैं राधा रानी की और गोपियों को मैं सर्वश्रेष्ठ मानने लगूंगी और मैं उनकी सेवा करूंगी, ऐसा मेरी तरफ से तो इतना सा भी प्रयत्न नहीं था। ये केवल और केवल गुरु जी की हरि कथाओं का ही असर था कि उन्होंने इतनी प्रेम से ऐसी ऐसी कथाएं सुनी कि हमारा स्वाभाविक ही हमारा राधा दासी बनने का एक लोभ जागृत हो गया। अभी लोभ नहीं कह सकते पर कुछ तो है, लोभ जैसा कुछ तो है। एक दिन ये परिपक्व भी होगा, पक्का होगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला है तुम सबको मैं राधा जी की सेवा में नियुक्त करूंगा। मुझे गुरुजी की बात पे पूर्ण विश्वास है, हम सब जो गुरुजी ने हमें गोल दिया है हम सब उसी पे चलेंगे और वहां तक जरूर पहुंचेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कितना टाइम है, बस कर दूं? ठीक है, आपकी इच्छा है प्रभु जी, क्योंकि बहुत लेट हो गया, सब लोग परेशान होंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी की ये सब अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, जो गुरु जी ने ऐसे हमारे को इतने मुश्किल मुश्किल गुह्या गुह्या ज्ञान वहां की उस लोक की कथाएं हमें सुनाई और वहां के प्रति हमारे अंदर लोभ जागृत किया। यही मैं अपने गुरुजी का अपने जीवन में बहुत बहुत अहेतु की कृपा मानती हूँ। वांछा कल्पतरूपेश कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जो हमारे सिंघानिया जी हैं, एक बहुत पुराने हैं, मठ में जुड़े हुए हैं, सारे मठ वाले उनको जानते हैं, वो बहुत बड़े डोनर हैं। वो जब गुरु जी के पास आते थे पूरा का पूरा बैग भर के लेके आते थे पैसों का, और गोवर्धन में और सारी जगहों पे जाके बांटा करते थे। तो उनकी बेटी वृंदावन आई, और वृंदावन में आने के बाद फिर वो यहाँ से गई जगन्नाथपुरी। यूएस में रहती थी उनकी बेटी। जगन्नाथपुरी में उस समय कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी थे, जो कि भक्ति सिद्धांत शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणाश्रित थे। और वहां पे जाके उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा उनकी बेटी ने। उन्होंने प्रश्न पूछा उनकी बेटी ने प्रभु जी से कि रूपानुग और रागानुग में क्या अंतर होता है। तो जो कृष्ण केशव प्रभु जी थे प्रभुपाद जी के चरणाश्रित, उन्होंने सीधा क्रॉस क्वेश्चन पूछा, तू भी वृंदावन गई थी ना, तू क्या वृंदावन में श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी से मिलके आई है? उसने बोला हाँ। तो महाराज जी बोले, तभी तो तू ये प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि ये प्रश्न और कोई पूछ ही नहीं सकता। ये प्रश्न वही पूछ सकता है जिसने कभी ना कभी श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी का संग किया हो, या उनके भक्तों का संग किया हो, या उनकी कथा सुनी हो। तो कैसे गुरुदेव ने ये जो रूपानुग क्या है और रागानुग क्या है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, और जो हमारे संप्रदाय का जो क्रक्स है कि हम लोग रूपानुग है, तो रूपानुग होता क्या है? मैं समझता हूँ कि अगर गुरुदेव ने ये विचारधारा नहीं दी होती, तो आज हम केवल सिर्फ नाम के लिए ही रूपानुग रह जाते। जैसे हम लोग जब शिला स्वामी महाराज जी को ग्लोरीफाई करते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले, नमस्ते सरस्वती देवीम गौरवाणी प्रचारिणी, ये गौरवाणी प्रचारिणी। तो शिला गुरुदेव बोलते थे गौरवाणी प्रचारिणी, तुम शिला स्वामी प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कर रहे हो, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गौरवाणी प्रचारिणी? इसके ऊपर एक पूरी बुक है गुरुदेव की इंग्लिश में, गुरुदेव ने लेक्चर दिया था कि ये गौरवाणी प्रचारिणी है क्या, कौन सी वाणी का उन्होंने प्रचार किया विदेश में जाके, कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, क्या ये गौरवाणी है? नहीं, गौरवाणी बहुत बड़ी वस्तु है। क्या है वो? वो रूपानुग धारा, वो ही गौरवाणी है। तो गुरुदेव ने जो संप्रदाय का, एक होता है भारी कवर और एक होता है बिल्कुल अंतरंग में लेके जाना। जैसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, बहिरंगा लिया करे नाम संकीर्तन, अपने बहिरंग भक्तों को लेके तो नाम संकीर्तन करते हैं, अंतरंगा लिया करे रसस्वादन, और अंतरंग भक्तों के साथ उस अपने भजन कुटी में रस का स्वादन करते हैं, वो सबके साथ नहीं किया। तो गुरुदेव ने केवल बहिरंग वस्तु नहीं, पूरा जो अंदर की जो डीप वस्तु है वो रूपानुग धारा क्या है, गुरुदेव ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अभी तो समय हो चुका है, कभी हम आने वाले 3 दिनों के अंदर इस चीज को भी हम अच्छी तरह और वैष्णवों से सुनेंगे। तो अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सबको दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।